हेलो हाय हेलो राधिका जी। हाय, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए एक मेरी कॉल कैंसिल कर रही हूँ, जस्ट फॉर यू गाइस, बिकॉज मैं भी मिस कर रही थी सेल्फिशली. सो होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कैंसिल माय मीटिंग. आप हमेशा कॉल कैंसिल कर देती हो। क्या 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 बोला? आप हमेशा कॉल कैंसिल कर देती हो। दैट्स सो स्वीट। पता नहीं, सो स्वीट या सो इनसिंसियर. होल्ड ऑन. कैसा लग रहा है नवनीत, कुलदीप जी, राधिका जी, आपको शहनाज का बर्थडे वाह, अमेजिंग. मैं तो डीप ब्रेथ आज? लेके ना अपना पारा ही नीचे कर रही हूँ. तुम समझ नहीं सकते आज मुझे कैसे कैसे डीएम्स आए हैं और कैसे कैसे हालातों से नीचे. क्यों? हाँ तो यार, इतने मतलब क्या ही बताऊँ मैं, कैसे कैसे. और वो भी पता है, अच्छे हूँ वो बताओ। ऐसे लोगों के डीएम आते हैं जो हमारी लाइव सुनते हैं, फिर और गुस्सा आता है मुझे. और ऊपर से मुझे बोलते हैं कि राधिका जी से ये प्लीज पूछना. और मेरे को ऐसा लगता है मैं राधिका जी को वो बता भी दूंगी ना मैसेज, वो मेरे को ही सबसे पहले लाइव से बाहर निकालेंगे कि तू निकल क्या क्या पूछा, क्या पूछा, यार. ऐसा क्या मैं पूछ सच में लिया? मतलब हाय हाय. बोल भी नहीं सकती लाइव में. अच्छा, मैं आपको ना, अरे मैं अपना ही आपको लाइव में डीएम बोलो करूंगी वो. या उससे पहले आप बोलो। सबसे पहले आज आप सभी लोग बताएं एक एक करके, आज आप लोगों को शहनाज का पोस्ट कैसा लगा जो ब्रह्मा कुमारी से उन्हें डिवाइन का वो मिला है, उस पे बोले। हाँ, बोलिए। मैं बोलती हूँ बिकॉज मेरे को वक्त नहीं मिला. मैं सारा दिन बहुत 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 ज्यादा बिजी थी. मेरे कुछ काम आ गए हैं, सो आई वाज वेरी बिजी. बट आज शाम को देखूंगी, लेकिन जस्ट आई ग्लांस्ड इट, मैंने पढ़ा नहीं है वो पूरा. आई थिंक काफी कुछ मैंने सब पिक्चर्स डाउनलोड करके रखी है. थोड़ा आराम से देखूंगी, बट ये शॉर्ट में आई जस्ट ग्रास्प दैट वो एक, उसका एक पाथ है अभी, और वो पाथ ने उसको, वो पाथ को उसने अपनाया है. उसकी उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक, इट्स लाइक अ पैरेलल पाथ, राइट. जैसे काम है उसका एक पाथ है, उसका प्रोफेशनल पाथ है, और ये उसका अपना पर्सनल पाथ है. जैसे शहनाज सब कुछ उसके फैंस के साथ शेयर करती है, कि काफी दिनों से, काफी मतलब ये प्राइवेट बन गई है, प्राइवेट बन गई है बिग बॉस 13 के बाद, बहुत प्राइवेट बन गई है, जो भी है. लेकिन फिर भी वो आती थी, रील्स डालती थी, और अपने वो जैसे कुछ गानों की रील्स डालती थी या स्नैप कर देती थी, गुड नाइट निन्नी टाइम, ऐसे वैसे वैसे, है ना. तो अभी शी इज डूइंग द सेम थिंग, बट इट्स द सेम थिंग, नॉट बट. September 2nd के बाद उसका, जैसे हम हमारा हमारे लाइफ में भी होता है, जो कल हुआ वो आज नहीं होता है, और हमारा हमारे प्रायोरिटीज और हमारा फोकस चेंज होते रहता है. तो जिस हिसाब से हमारी लाइफ जा रही है, तो उसी उसी हिसाब से अभी शहनाज का फोकस ये है. उसने ये पाथ अपनाया, बट वो हमारे साथ शेयर कर रही है. दैट इज अ ह्यूज ह्यूज पॉजिटिव. एज इन वो फैंस के साथ शेयर करना, मतलब वो वही शहनाज है जो कहते हैं ना कि शहनाज बदल गई है, बदल गई है. आई एम श्योर वो सरफेस पे, वो जिस तरह से उसकी पर्सनालिटी बदल बदल कुछ नहीं गई है, बट वो शी शेयरिंग हर पर्सनल थिंग्स विद अस, बिकॉज दैट्स हु शी इज. वो पहले से ही कनेक्टेड, उसको अच्छा लगता है कनेक्टेड रहना सबके साथ, सबको बताना वो क्या कर रही है. आई एम श्योर वो हम सबकी क्या कहते हैं, ट्वीट्स पढ़ रही होगी, वो बहुत होगी. अभी शायद कई दिनों से नहीं कर रही होगी, हमें नहीं पता, लेकिन वो करती है. जैसे हम उसकी अपडेट्स रखते हैं, वो भी हमारी अपडेट्स रखती होंगी. वो भी वीएम्स लाइक करती हैं, वो रिसीव करती हैं रिप्लाइज. क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं होता, शहनाज गिल हैज रिसीव्ड अ रिप्लाई, मतलब अगर वो देख रही है. तो ये इंटरेक्शन जो ऑब्वियसली September 2nd के बाद थोड़े दिन के लिए थम गया था फॉर ऑल द रीजंस, वो तो हो ही जाता है, सिचुएशंस ऐसे आते हैं. ये तो खैर
लाइफ चेंजिंग इवेंट था उसके लाइफ में, हम सबके लिए, लेकिन उसके लिए तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते. सो गिव इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट शी इज शेयरिंग व्हाट शी इज एक्सपीरियंसिंग, उसकी लाइफ हमारे साथ शेयर कर रही है. मुझे उसी में बहुत बहुत खुशी मिलती है कि शी इज ओपनिंग हर, एक छोटा सा विंडो हमको वो कर रही है, इनवाइट कर रही है, तो हम उसको प्यार से और रिस्पेक्ट से और उसको ऑनर करके हम उसको अप्रिशिएट करेंगे. और वो तो इंस्पायर करती रहेगी और हम इंस्पायर होते रहेंगे. आई होप शी कंटिन्यूज टू बी हु शी इज, एंड आई नो शी विल बी, एंड शी विल थ्राइव. और बहुत आसमान छुएगी ये बंदी, कुछ भी करेगी. मतलब मैं काम में, सिर्फ प्रोफेशन में नहीं, अभी जैसे ये स्पिरिचुअलिटी भी है, हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो स्पिरिचुअलिटी के तरफ ध्यान नहीं गया होगा, बिकॉज हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने महफूज रहते हैं, बिजी रहते हैं. लेकिन अभी देख के लगता है कि अच्छा ये क्या, इसका मतलब क्या है, डिटैचमेंट अटैचमेंट क्या है, सोल क्या है, ये क्या है. तो हमको क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि सिद्धार्थ इतना जल्दी क्यों गया, भगवान ने किया, नहीं, भगवान तो नहीं करते. मतलब ये सारी टॉपिक्स शायद लोग करते थे पहले, लेकिन अभी मुझे लगता है जो लोग नहीं करते थे वो लोग भी सोचते हैं इन चीजों के बारे में. सो मे बी देर मे बी दिस इज अ साइन, यूनिवर्स इज गिविंग एज अ साइन. वो भी हमको ओपन कर दिया है उस चीजों को देखने के लिए कि दैट्स द पाथ शी हैज टेकन ऑन. जैसे सिद्धार्थ ने भी वो पाथ लिया था, जब सिद्धार्थ का एक वक्त ऐसे आया था लाइफ में दैट ही फेल्ट लाइक ही हैड टू चूज दिस पाथ फ्यू इयर्स अगो. अभी शहनाज भी कुछ ऐसे सिचुएशन में है, उसने ये चॉइस किया, एंड इट इज सो ब्यूटिफुल कि ये चूज कर रहे हैं उस वजह से, वो चूज कर रहे हैं उनके हिसाब से, लेकिन हमें इंस्पायर भी कर रहे हैं इन सब चीजों से कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, बोलते हैं ना वैसे, कि आप कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए, हार नहीं माननी है. ठीक है, थोड़ा दुख होता है, काफी दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैज हैपेंड इन योर लाइफ, बट उसमें से उठो और स्ट्रांग बनने की कोशिश करो, एंड एंड रीच फॉर हेल्प, बिकॉज कभी कभी हम में अंदर से उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है. तो स्पिरिचुअलिटी इज वन वे वेयर पीपल सीक सपोर्ट. यू कैन सीक फ्रेंड, यू कैन जो भी है, बट वो जिस तरह से मुझे वो बहुत बहुत एक वार्म जेस्चर लगा कि वो हमारे साथ, उसके लाइफ में जो हो रहा है हमारे साथ शेयर करिए. हमने उसको इतना प्यार भेजा, कितने फैंस, मिलियंस ऑफ फैंस ने कितना कुछ किया, पिक्चर्स भेजे, वीएम्स भेजे, ट्रेंड किया, लाइक डोनेट किया चैरिटी में, कितना कुछ किया. पूरी दुनिया में पूरी वर्ल्ड, व्हेन आई से वर्ल्ड आई मीन द वर्ल्ड सेलिब्रेटेड हर बर्थडे. सो दैट वाज हर वे ऑफ सेइंग थैंक यू, हियर्स हाउ आई स्पेंट माय बर्थडे, राइट. सो आई फेल्ट दैट वाज वेरी स्पेशल कि वो उसकी इतनी बहुत, बिकॉज रिलीजन या फेथ या जो भी अपना जो प्रेइंग टाइम होता है, प्रे टाइम इज सच अ पर्सनल थिंग, इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल थिंग. वो शेयर कर रही है सबके साथ, मतलब एक सारे अक्रॉस ऑल जनरेशंस, राइट, ओल्ड मिडल एज्ड यंग, 20s 30s टीन्स, एवरीवन विल गेट इंस्पायर्ड बाय दिस, दे हैव टू, है ना. इतनी सादगी से उसने बोला कि थैंक यू, आप लोगों ने मेरे लिए केक काटे, गाने गाए, वीएम्स बनाए, और ये फिर देखो मैंने ऐसे स्पेंड किया, मेरा दिन ऐसे गया, मुझे ये मिला, वो सब शेयर कर रही है. कितना कितना स्वीट है वो, कितना स्वीट है. इसीलिए शहनाज शहनाज है, इसीलिए हम उसके दीवाने हैं, इसीलिए हम उसको अनकंडीशनली प्यार करते हैं, अनकंडीशनली सपोर्ट करेंगे. इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल. बट मुझे वो पसंद
पढ़ना है, ये सब मैंने बिना पढ़े या मेरे थॉट्स वगैरह। वेरी ब्यूटीफुल राधिका जी, हाँ जी आप 5 मिनट का है केवल, आप म्यूट करके एक बार पढ़ लीजिए, कुछ ठीक बड़ा है नहीं है, ओनली 5 मिनट में सबमिट कर ठीक है देंगे। ठीक है और सिद्धार्थ की भी पिक्चर आई थी रक्षाबंधन के टाइम, वो ब्रह्मा कुमारी गए थे, उनकी वो लास्ट पिक्चर थी जब वो उनसे मिले थे, हम सभी ने देखी होगी। कुलदीप जी आप बताइए, आपको कैसा लगा? वही जो राधिका जी ने बोला अमन की वो एक्चुअली जैसे वो जुड़ी है ना उनके साथ, वो जोड़ के तो चलो कोई रास्ता था, एक बात होता है जैसे हमें वो क्यूरियोसिटी होती है सुनने की, मैं भी उनके सेशन सुनती हूँ, मुझे शनाज के थ्रू पता चला है कि वो सुनती है, सिद्धार्थ के थ्रू पता चला है, वैसे ही उसको जैसे सिद्धार्थ ने मिलवाया है उन लोगों से, सिद्धार्थ के साथ उसने पहले सेशन अटेंड किए होंगे, लेकिन उससे उस चीजों से अब पॉजिटिविटी मिल रही है, तो वो आगे लोगों को वो मतलब बता रही है कि तुम भी, मतलब वो दिखा रही है फैंस को कि मैं किस पाथ पे चल रही हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, जैसे उसे उसने उस दिन बोला था वो रीस्टार्ट वाले में भी, तो शिवानी दीदी के साथ जब वो थी, कि सब बोल रहे थे ना कि मैं प्राइवेट हो गई हूँ, मैं आती नहीं हूँ, तो मैं ये कर रही हूँ कि मैं सेशंस अटेंड करती हूँ, सीख रही हूँ स्पिरिचुअलिटी क्या है, सोल क्या है और एवरीथिंग, इससे सबको वो होता है कि हम भी देखें, हम भी करें, हम भी सुने, और वही था उन लोगों ने भी वो लेटर जो था वो दिया था, उन लोगों ने उसमें भी लिखा था कि हमारी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत वो जो भी है बर्थडे का और जो भी है सब मतलब कि विशेष दी उसे अच्छे से सबकी तरफ से, नीचे सबके वो नाम मेंशन किए हुए थे सब, और ऐसे ही मैंने एक फोटो देखा था सिद्धार्थ का भी, तो वो भी रक्षाबंधन पे उसी उसी टेबल और उसी सोफा के पास बैठा है उन्हीं दीदी के साथ, तो लाइक वही है ना कि वो सबको दिखा रही है कि मैंने कौन सा पाथ चुना है और कैसे मैं चीजों से कोप अप कर रही हूँ, कैसे आगे मैं स्पिरिचुअलिटी सीख रही हूँ और कैसे उसे उन चीजों में मतलब पीस मिल रहा है, वो ये तो मुझे पता है कि वो जाते हैं हर थर्सडे को जाते हैं वहां पे आंटी और शहनाज हर थर्सडे को जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बर्थडे पे भी वो जाएगी, वो एक उसका बहुत स्वीट गेस्चर था कि मैंने बर्थडे कैसे मनाया, कि मैंने दिखाया उसने लोगों को, जब वो क्लिप भी डाली थी उसके बाद भी एक इंटरव्यू में उसने बोला था लास्ट बर्थडे की कि मैं सिर्फ बर्थडे की क्लिप इसलिए डाली थी कि सब देख सके कि मैंने कैसे सेलिब्रेट किया, क्योंकि सब वेट कर रहे थे, सब चाहते हैं मुझे देखना, मेरी फैंस, तो उसे सब पता है कि ट्विटर पे कितना ट्रेंड हो रहा है, सब हो रहा है कि मेरे एक मतलब कि एक अपीयरेंस के लिए ही सब बैठे होंगे कि मैंने कैसे वो कहाँ होगी कैसी होगी, तो उसने वो डाल के बताया है कि मैं यहाँ हूँ और मैंने यहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। या कल शहनाज का जो ट्वीट आया, करेक्ट 12 बजे ट्वीट आया था वो, करेक्ट हाँ 12 बजे हाँ आप सोचो कि कल नवनीत। कल हाँ नहीं नहीं बोलने दो कुलदीप जी को, मैं थोड़ी सी कूल माइंडेड हो जाऊंगी ना, फिर मैं खुद ही बोल दूंगी बाद में, अभी नहीं। वही ना मतलब कि उसका थैंक यू वाला आया तो ट्रेंड को भी और वो मिल गया, एक पुश मिल गया कि सब वो रिचार्ज जैसे होते हैं वैसे हो गए सब, कि नहीं करना है करके, तो दैट्स कूल ना, कि हमें भी चाहिए था देखना उसको कि शहनाज कैसी है कहाँ है, दिल में तो होता ही है कि एक बार दिख जाए कहीं ना कहीं या जो भी है, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा कि उसने कैसे सेलिब्रेट किया, हम लोगों ने भी देखा कि वो वहां गई थी। बोलो नवनीत अब आपको, आप कूल होने का कूल हो रही है नवनीत, लेकिन हुआ क्या कि आप अनकूल हो गई? रुको रुको, मैं आपको ना पहले तो वो भेजती हूँ, स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, मैंने रुचि जी को भेजे थे, रुको मैं वही आपको फॉरवर्ड करती हूँ जरा। एक्चुअली इसने ना अरे डीएम पढ़े हैं उसीलिए ये वो है अरे अनकंफर्टेबल है चिल शायद, मारो यार, चिल मारो, छोड़ दो, चिल इग्नोर मारो नवनीत, इग्नोर सबसे चिल मारो। बेस्ट मंत्रा।
देखना, मैंने आपको भी एक भेजा है, दूसरा देखना. मतलब मेरे को ना ये भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं ट्विटर पे, है ना, जैसे दूसरे फैंडम्स वाले. बट मुझे जब उन्होंने बोला ना कि मैं सन्नास फैन हूँ और मैं रोज लाइव सुनती हूँ, मैं सोच रही हूँ इतना एफर्ट लग रहा है स्नेहा जी का, राधिका जी का, या अमन का, जो भी लोग लाइव में आते हैं, इतने एफर्ट जा रहे हैं, फिर भी ये चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ रही है. मेरा तो खून नहीं सच्ची में ठीक है, खौल रहा है नहीं उस नहीं टाइम ठीक से. है, देखो नहीं देखो मैं ये नहीं कहूँ कि मैं और स्नेहा कोई कोई टीचर्स हैं, बट अभी क्लासरूम का एग्जांपल देती हूँ. क्लासरूम में वही वही टीचर है और सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. किसी को 80% आते हैं, किसी को 40% आते हैं, किसी को 100% आते हैं. तो अभी वो अपनी अपनी बात है, उसमें ना टीचर गलत है, ना 40 वाला गलत है, ना 100 वाला गलत है, ना 80 वाला गलत है. जिसकी जितनी समझ है वो उतना ही करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे क्लासरूम में बैठ के. अगर नहीं समझ में आ रही है चीजें तो नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, शायद स्कूल के लिए वो नहीं बने, कुछ और करेंगे तो ठीक है, इट्स फाइन. मैं लाइक डोंट, एज लॉन्ग एज वो कोई सिद्धार्थ और शहनाज के लिए नेगेटिव ना हो, अगर हो तो फिर मेरे को वन ऑन वन में मैं फिर वन टू वन अंडरस्टैंडिंग कर लूंगी मैं. नहीं आई वैसे तो जाके. या राधिका जी आपने पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया पढ़ लिया. ओके, अब आप बोल सकते हैं. हाँ उसके बारे में ना बहुत बहुत अच्छा है. मुस्कुराहट के बारे में भी इतना अच्छा लिखा है. इट इज मतलब काफी चीजें तो मुझे वैसे लगता है जो वो बोर्ड पे जो यू नो कोलाज था, जो कोलाज था वो उसमें से बहुत सी चीजें शहनाज ऑलरेडी करती है. बट जैसे कहते हैं ना, यू हैव एफर्मेशंस. हम अभी जैसे यू नो ब्रह्म कुमारी का मैं फॉलो करती हूँ ऑन ऑन यू नो ट्विटर एंड स्टफ. तो उनके एवरीडे वो सवेरे आते हैं ना कि आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, एंड आई एम यू नो ये सारी चीजें. सो दिस इज ऑल अफर्मिंग दैट यू आर इनफ, कि आप काफी हो. आप में आपको मतलब किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है इमोशनली. एंड दैट इज व्हाट इज इमोशनल डिटैचमेंट दैट दिस होल थिंग टीचेस. अभी जैसे फॉरगिवनेस देख रही हूँ मैं, नोइंग एवरीवन मेक्स मिस्टेक यू आर एबल टू लेट गो द पास्ट. शहनाज का पूरा VB13 वाज ऑल अबाउट दैट. मतलब हम बोलते हैं ना ये कितना इजी लेती है लोगों को और लोगों ने उसका फायदा उठाया, वो ये पूरा वो है. यू नो शी इज यू नो ब्रिलियंट, ग्रेट ग्रेट ब्राइटनेस. ये किसी का बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है, म्यूट करो, हाँ आप तो बोलो. ये जो यू नो ब्रिलियंट है, उसका ग्रेट ब्राइटनेस इल्यूमिनेट्स योर फेस, इट कम्स फ्रॉम विद इन. ऑफ कोर्स मतलब वो अभी तो उसके चेहरे पे जो ग्लो है ना, एंड और ये यू नो फ्लेक्सिबिलिटी, यू आर एबल टू गो विद द फ्लो एंड अलाउ अदर्स टू हैव देयर से. मतलब शहनाज को अगर आप यू नो BB13 का देखो, वो हर किसी के साथ. अभी जो वीकेंड का वार हमने डिकोड किया, जैसे सिद्धार्थ ने बोला, और वो बोलता है कि ये एक ऐसी कंटेस्टेंट है वो जो सबके साथ रहती है. अभी हम मैं यू नो बिग बॉस के घर की बात कर रही हूँ, बिकॉज मुझे वो, मैं उसको पर्सनली जानती नहीं हूँ, सो आई डोंट नो. आई थिंक आई नो वो वैसी ही है, बट जो मैंने देखा मैं उसके बारे में बोलूंगी कि वो शी हैज अ वे टू कनेक्ट, इमोशनली कनेक्ट, नॉट जस्ट बैठ के गप्पे मारना, हाँ हाँ करना, ही करना, वैसे नहीं. वो कनेक्ट करती है और लोग उसके साथ बातें करते हैं, उन लोग उसके साथ अच्छा फील करते हैं. एंड अभी जो जो बर्थडे पे जिस जितने मैसेजेस आए उसके लिए, माई गॉड माई गॉड, आई मीन दिस गर्ल हैज मतलब शी हैज डिसरप्टेड दिस होल सोशल मीडिया गेम. मतलब डिसरप्शन मतलब हिला के रख दिया लिटरली. क्या कितने मीडिया पोर्टल्स, प्राइम ले लो, नेटफ्लिक्स से लेकर स्विगी, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या, ये मीडिया पोर्टल्स तो है ही है, बट ये बाकी के फर्म्स भी
इतने इतने लोगों ने उसको विश किया, और उसकी जो टीम है, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि दे फील ब्लेस्ड, दे फील ब्लेस्ड बीइंग अराउंड हर, राइट? तो इट्स नॉट जस्ट गोइंग विद द फ्लो, बट इट्स आल्सो वो जिस तरह से एफर्टलेसली यू नो कनेक्ट करती है लोगों के साथ, दैट हैज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन, है ना? कि ये कैसे कर लेती है, ये कैसे फॉरगिव कर लेती है, कि रावण ने इतना कुछ बोला, मसला ने इतना कुछ बोला उसको शुरुआत में, फिर जब जब रावण वो उसके उसके सर्जरी सर्जरी के लिए गया, वो किस तरह से उसने ख्याल रखा, वो फॉरगिवनेस, दैट 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 आई मीन इट्स जस्ट इट्स आई फील लाइक ये पूरा जो भी जो जो कोलाज है ना, वो आई थिंक शहनाज को मन में रख के लिखा है. उसकी जो वो एक है, यू नो, योर इनेट क्वालिटी कंसिस्ट ऑफ पीस, लव एंड हैप्पीनेस, नेवर फॉरगेट दिस. शी पर्सोनिफाइज दैट, मतलब वो उस चीज को रो क्या बोलते हैं, वॉक द टॉक, है ना? शी डज इट, और शी इज ह्यूमिलिटी बहुत ऑब्वियसली. ये पूरा मुझे लगता है ये शहनाज को रख के ही लिखा गया है. और उसकी मुस्कुराहट, आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस एफर्मेशन, अगर ये इंग्लिश में होता, बिकॉज हिंदी इतना इजीली मेरे को फ्लो नहीं होता है, बट मैं ये रखती मैं अपने वर्क डेस्क पे, बिकॉज यू नो मुस्कुराहट कहती है सफलता, मुस्कुराहट कहती है अच्छा हुआ, मैं ठीक हूँ, संतुष्टता, मतलब कंटेंट, बीइंग कंटेंट, समझ गया कुछ है, धन्यवाद, सहमत हूँ, ध्यान रखेंगे. ओ माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटिफुल. एंड ये यू आर कॉन्स्टेंटली सक्सेसफुल इन योर रिलेशनशिप्स विद द स्पेशलिटी ऑफ योर ह्यूमिलिटी, मतलब वो इतनी ग्राउंडेड है. और वो बोलती है ना, एक अनसीन में सिद्धार्थ के साथ सीक्रेट रूम जाने वाले दिन, इनका जो बाहर गार्डन बेंच पे ये लोग यू नो मस्ती कर रहे हैं, वो यूज्ड बैटरी, ओल्ड बैटरी, अगर आपको वो वाला अनसीन याद हो, उसमें बोलती है ना कि आई एम वेरी डाउन टू अर्थ. तो ये वही है, ह्यूमिलिटी इज दैट, इज बीइंग डाउन टू अर्थ. और ये पूरा जो कोलाज बनाया है, अगर ये उनका स्टैंडर्ड कोलाज है तो फिर सही है, और अगर शहनाज को रख के बनाया है तो फिर उसके लिए ये एप्ट है, मतलब बिकॉज दिस इज हु शी इज. एक सेकेंड, वो बर्थडे कार्ड कितना 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 प्यारा है, वो एंजल्स का जो बर्थडे कार्ड जो टेबल पे रखा हुआ है, कि यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान तुम्हारा ध्यान ध्यान रखेंगे. दैट्स सो ब्यूटिफुल. एंड एक हमारी एक रीमा जी हैं, उन्होंने अभी एक कमेंट किया है कि सीएम ऑफ दिल्ली एंड पीएम ऑफ इंडिया आल्सो ट्वीटेड फॉर शहनाज। तो मैं उनको बताना चाहूंगा नहीं नहीं है क्या वो होता है। फेक अरे आईडी मुझे है, बताने दो। बोलो ट्रेंड सॉरी. होता है, हमारे फैन अकाउंट वाले ही नरेंद्र मोदी जी की डीपी लगा लेते हैं और नरेंद्र मोदी लिख देते हैं, मतलब पीएम ऑफ इंडिया, जिससे कि रीच बढ़े, लोग रिट्वीट्स करें। वो जानबूझ के करते हैं ऐसा। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं ट्वीट हुए हैं, ठीक है। वो बस ट्रेंड की स्पीड बढ़ाने के लिए किए जाते हैं बस। ओके आप बोले। हाँ, वो लोग सेम टू सेम डीपी लगाते हैं. तो अगर आप ध्यान से नहीं देख रहे हो तो हाँ, या बस आई थिंक वही है कि उसने हमारे साथ शेयर किया उसका एक डे, बिकॉज जब वो बिग बॉस के अंदर थी, वो बोली ना कि मैं मेरे बर्थडे पे हमेशा उदास रहती हूँ, है ना? हमने देखा कि कितना रेसलेस हो गया था सिद्धार्थ आफ्टर ही हर्ड दैट, और वो कितना उसको मनाने में लग गया था कि रो मत, तो उसके पीछे वॉश एरिया में चला गया एंड उसको मनाने के लिए. तो फिर उसके बाद हमने देखा लास्ट ईयर का बर्थडे उन्हें कैसे मनाया और क्या क्या किया, और
आज जितनी शहनाज की याद आ रही है, याद इन द सेंस ऑफ कोर्स मैं यहाँ बैठ के याद ही करूंगी उसको, बट उतनी ही मेरे को सिद्धार्थ की भी याद आ रही है. एंड सो यू नो हेटर कौन है? आप बोलें, मैं ठीक देख है लूंगा। ठीक है. तो जस्ट अभी लाइफ इज लाइफ, बट बहुत अच्छा लगा कि वो, मुझे लगा था आई हैड अ स्ट्रॉन्ग हंच, आई थिंक मैंने एक दो लोगों को बोला भी था कि वो पक्का जाएगी लाइक सेंटर इधर, लाइक मेडिटेट करने या मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइक प्रार्थना करने या जो भी. मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि वो आज जाएगी सेंटर उसको, बिकॉज ये एक और चीज है. उसको खैर रीजंस नहीं चाहिए सिद्धार्थ के साथ जुड़े रहने के लिए, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी एक ही हैं, बट दिस इज अनदर वे टू रीच हिम, राइट? आई फील अगेन अनदर वे टू रीच हिम, बिकॉज ये उसके लिए बहुत नियर एंड डियर था. दिस वॉज अ वेरी पर्सनल, अ वेरी क्लोज टू हार्ट थिंग फॉर हिम. यू नो ब्रह्म कुमारी इसकी जर्नी जो उसने उसके मॉम के साथ की है, राइट? आई थिंक आंटी ने काफी साल पहले ये पाथ अपनाया था उसके, मतलब फिर थोड़े साल बाद फिर सिद्धार्थ ने अपनाया. तो दैट वॉज अ वे आई फेल्ट लाइक सिद्धार्थ और उसके मॉम का जो बॉन्ड है वो कुछ एक और लेवल पे एस्केलेट हो गया, एक एक हायर लेवल एलिवेट हो गया, एस्केलेट एलिवेट हो गया, एक मतलब सोल के लेवल पे गया ऐसे लगता था उनको देखकर. इसीलिए उनकी जो एनर्जी होती है जब जब रीटा आंटी कम्स इनसाइड द हाउस, हम देखते हैं एक अलग किस्म की एनर्जी होती है दोनों में, एंड दे एग्जूबरेट सच सच पीस एंड काम एंड सब, देयर वाज समथिंग. इसीलिए हम इतना कनेक्ट कर गए सार एवरीवन, सबके मम्मीज आए, डैड्स आए, और ऐसा नहीं है कि माँ बाप कम ज्यादा प्यार करते हैं, माँ बाप है भाई, फैमिली है, फैमिली तो प्यार करेगा ही. बट जैसे ही सिद्धार्थ और आंटी मिले ऐसे लगा कुछ कुछ मैजिकल हो रहा है, कुछ डिवाइन हो रहा है कुछ, है ना? तो उस हिसाब से आई फील लाइक उनका जो एक बॉन्ड है वो एक एलिवेटेड स्पेस में है. एंड आई थिंक अ लॉट हैज टू डू विद दिस पाथ ऑल्सो, मतलब ये जो स्पिरिचुअलिटी पाथ है इनका, जो भी एवोल्यूशन होता है एक सोल का, एक माइंड का, एक हार्ट का, आई थिंक उसमें से तो हम वही चीज अभी जिस तरह से, अगर अगर रीटा आंटी और सिद्धार्थ का एलिवेट हुआ है थ्रू दिस, उसी तरह से शहनाज और सिद्धार्थ का एलिवेट हुआ है थ्रू थ्रू ब्रह्म कुमारीज, आई थिंक राइट आफ्टर दे केम आउट ऑफ द हाउस. तो ये कुछ नया नहीं है कि उसने September 2nd के बाद ये, आई थिंक वो पहले से, बिकॉज हमने सिस्टर शिवानी के साथ का जो वीडियो किया था शहनाज ने, उसमें उसने कहा मैं सिद्धार्थ को हमेशा कहती थी कि मुझे शिवानी से, यू नो सिस्टर शिवानी से मिलना है, मिलना है, मतलब हमेशा कहती थी, मतलब अगर कहती थी मतलब ये ऑलरेडी उनके पाथ में था, मतलब उनके लाइफ में था, आई मीन दिस वाज पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन, मेडिटेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसने भी वो एक्टिवली अपना लिया था ऑलरेडी, राइट? सो ये एक और माध्यम मीडियम है. अभी अभी सिद्धार्थ के साथ तो वो खुद नहीं जा सकती है इन इन फिजिकल फॉर्म. सो आई थिंक अभी शी वेंट विथ हिम, उसकी स्पिरिट और सोल के साथ, ऐसे लगा मेरे को जैसे मैंने शहनाज को देखा. तो वन वन यू नो पिक्टोरल वे इज जिस तरह से लोगों ने सिद्धार्थ की वो फोटो जो वो राखी बनवाने गया था उसकी साइड लगा के, फिर ये इमेज को शहनाज की इमेज के साथ जोड़ के पूरा तीन लोगों का वो जो पिक्चर बनाया था वो तो वैसे, मतलब दैट्स द सेम थिंग, दे आर जस्ट पुटिंग इट इन अ कि यू नो लाइक अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स, वैसा है. तो हम बोलते हैं कि शहनाज, यू नो सिद्धार्थ है उसके साथ, तो ऐसे दिखता होगा कि वो वहां पे बाजू में बैठा होगा मिस्टर इंडिया की तरह और देख रहा होगा सब कुछ, और शहनाज के साथ ही मिस्टर इंडिया की तरह वो. तो आई फील लाइक
आई फील लाइक दैट्स अनदर वे फॉर हर टू स्टे कनेक्टेड, बिकॉज ये उसके लिए बहुत एक स्पेशल स्पेशल चीज है. दिस इज अ वेरी स्पेशल थिंग एंड शील कैरी इट फॉरवर्ड. और ये जो पाथ है, ये रीटा आंटी, सिद्धार्थ और शहनाज, ये तीनों का एक अभी एक वो बन गया है. इट्स लाइक अ क्लिक, इट्स लाइक अ सर्कल ऑफ लव. और वो अटूट है ये ना, इस जन्म के लिए नहीं है ये, फॉर एवर एंड एवर. हम फॉर एवर बोलते हैं ना, ये फॉर एवर है ये, ऐसे मतलब चलो ये लाइफ खत्म हो गया ऐसे नहीं है, ये चलता रहेगा. सो इनका अभी शुरू हुआ है, सो दिस इज अ ब्यूटिफुल जर्नी देयर ऑल ऑन टुगेदर. अभी हमें दिख रहे हैं तो दिख रहे हैं, अगर यू नो सिद्धार्थ हमें नहीं दिख रहा है, बट ही इज स्टिल पार्ट ऑफ दैट सर्कल ऑफ लव एंड दे विल कम, दे विल फिनिश और दे विल गो ऑन दिस जर्नी टुगेदर. ये तीनों, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है जब ये तीनों को देखती हूँ ना, इट्स ब्यूटिफुल. सो एनी वे, मुझे वो लगा, सॉरी मैंने हाईजैक कर लिया आपका लाइव. प्लीज कैरी ऑन, आई हैव टू ड्रॉप फॉर अ कॉल 30 मिनट्स के लिए. अगर उसके बाद अगर आप हो तो मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर के लिए. ठीक है, ओके राधिका जी, बाय बाय, टेक केयर. हाँ जी नवनीत, क्या बोलना चाहोगी, कैसे लगे आपको राधिका जी की और कुलदीप जी की बातें? बहुत सही, एक एक वर्ड बिल्कुल सही था, मतलब इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो कोई दे ही नहीं सकता जैसी राधिका जी ने दी है. तो स्नेहा जी आ गई है, उनसे पूछ लो अगर वो ऐड हो सकते हैं, ऑफिस में तो नहीं है तो. और या कुलदीप जी आप बताएं, स्नेहा जी कमेंट में बता दें. हाँ वही अमन जी, वो एक्चुअली मैं वही जो राधिका जी ने बोला, उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है सब, कि वही उनको ना, वो जो सिद्धार्थ की मम्मी की राधिका जी बात कर रही थी वही है ना, कि वो जब अंदर आई थी ना, एक एक रूहानी नूर नहीं होता फेस पे, एक डिफरेंट सा कनेक्शन होता है जो उनके फेस से देख के और उनको देख के वो फील होता है, और वो है उनमें. तो वैसे ही सिद्धार्थ में है, हमें क्यों इतना प्यार हो गया सिद्धार्थ से. और शहनाज में वो पहले से ही था, उसने ये सब जो बीके वालों का पार्ट है वो सिद्धार्थ के साथ शुरू किया है, लेकिन उसके फेस पे पहले ही वो इनोसेंस, वो एक अट्रैक्टिवनेस एंड एवरीथिंग वो पहले ही था, लेकिन सिद्धार्थ और उसके मम्मा के चेहरे पे भी वही, मतलब वही है. शायद वो स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी को मतलब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे हम लोग इतने नहीं जुड़े हुए, हम नहीं टाइम दे पाते, नहीं देख पाते, लेकिन रीटा आंटी शायद पिछले 7-8 साल से ये सब वो कर रही हैं, इन इनसे जुड़ी हुई हैं और दिन रात इनको सुनती हैं, इनके रूल्स फॉलो करती हैं और इनके रूल्स को अपनी लाइफ में वो करती हैं, अप्लाई करती हैं. सिर्फ सुनती नहीं है, कुछ लोग होते हैं सिर्फ सुनते हैं, कुछ लोग होते हैं अप्लाई करते हैं. तो वो लोग अप्लाई करते हैं सिद्धार्थ की फैमिली, तो इसीलिए उनके चेहरों पे एक एक डिफरेंट तरह का पीस, एक डिफरेंट तरह का सुकून दिखता है, क्योंकि एक एक ठहराव, एक वो मतलब उन लोगों का एक अलग सा वो है कि वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को इसीलिए, कि बिकॉज वो सिद्धार्थ भी काफी 2018 से ही जुड़ा हुआ है उनके साथ, तो पहले उनके मम्मा जुड़े थे, फिर वो जैसे वो सुनते हैं, जैसे हम भी सुनते हैं तो मन शांत होता है कि हम सुन रहे हैं उनको. अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें, और जैसे राधिका जी ने बोला कि उनका एक सोल कनेक्शन फील होता है, और ये चीजें वो भी बोलते हैं, अगर आपका कोई सॉन्ग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ना, वो लाइफ सर्कल की तरह ही चलता है. अगर जैसे इस लाइफ में सिद्धार्थ और शहनाज थे, उनका इतना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इतना कि लाखों करोड़ों लोग उनके कनेक्शन से प्यार करते थे, तो सोचो कि उनका कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग होगा आपस में, कि उनके कनेक्शन से लोग इतना प्यार करते थे. तो
वो जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं, जो सोल कनेक्शंस होते हैं, वो हर हर जिंदगी में मिलते हैं कहीं ना कहीं। उन्हें मिलना ही होता है क्योंकि उनकी उनकी सोल का कनेक्शन होता है, नॉट अ फिजिकल बट सोल कनेक्शन होता है उनका, कि वो कहीं ना कहीं आके पाथ उनके मिलते ही मिलते हैं। और वही कनेक्शन सिद्धार्थ का अपनी मम्मी के साथ दिखाई देता था, एक सोल कनेक्शन। कि जरूरी नहीं होता कि एक सोल कनेक्शन हमारे पार्टनर का ही हो सकता है, जैसे हमारे फादर मदर, मतलब जिंदगी में किसी के साथ भी आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, आपके भाई बहन किसी के साथ भी स्ट्रॉन्ग दिख सकता है। तो वो जो ऐसे सोल कनेक्शंस होते हैं ना, वो आगे चल के उनके पाथ क्रॉस होते ही होते हैं कहीं ना कहीं, वो मिलते ही मिलते हैं स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। पता नहीं शहनाज़ सिद्धार्थ का लास्ट जन्म में कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि एक पंजाब की लड़की आके मुंबई के लड़के का उसने दिल जीत लिया और वो इकट्ठे रहे और करोड़ों लोगों को उनके प्यार से प्यार हो गया। तो पता नहीं, इस जन्म तो है, हमने देखा, हमने विटनेस किया, बट लास्ट जन्म का हमें नहीं पता वो क्या था। लेकिन होगा कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो इतने थोड़े टाइम में, 4.5 महीने में उन लोगों ने करोड़ों लोगों से प्यार लिया है अपने लिए। तो सोचो ना कहीं हम भी जुड़े हुए हैं उन लोगों से जिन्होंने उन्हें प्यार दिया है, हमारा भी कोई कनेक्शन है उनसे, है ना। तो यही है, वो यही बताते हैं कि अपनी सोल पे काम करने के लिए बताते हैं कि अपनी सोल को पॉजिटिव रखो, अपनी सोल पे काम करो। जैसे सिद्धार्थ ने एक अंसिनम देखा में पारस को बोला था कि ये जो ऊपर है ना, जो ये ऊपर अपनी बॉडी है, एक सिर्फ कवच है हमारी सोल का, जो मेन हमारा है वो सोल है, उस पे काम करो, उसको पॉजिटिव करो और उसको उसके लिए वर्क करो कि वो साफ रहे, वो मैली ना हो। ये जो है ना, ये कपड़ा है, जैसे शहनाज ने बोला है उसमें कि ये कपड़ा है, वो हम हर जन्म में चेंज करते हैं, ऊपर वाला जो हमारा बॉडी है ये हर जन्म में चेंज होगा, लेकिन जो सोल है ना हमारी यहाँ पे, वो चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी। वो जो हम इस जन्म में करेंगे वो सोल साथ ही लेके नेक्स्ट उसमें जाएगी जन्म में। तो वही है कि इनका अब हमें दिखा, मतलब हमने सुना है बीके वालों से, शहनाज ने अपने मुंह से बोला कि जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं वो मिलते हैं, लेकिन इनका पिछले जन्म में भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि ये साथ में थे दोनों, इसीलिए वो मैजिकल था। वाह कुलदीप जी, वेल डिस्क्राइब्ड। तभी उनको देख के, अगर उनका कोई अनसीन भी देखो तो दिल करता है मैं देखती जाऊं देखती जाऊं। अगर उनका कोई, मैं ये नहीं कि अकेले शहनाज का, अगर सिद्धार्थ का भी कोई, मतलब दोनों का, सिद्धनाथ अकेले, ये नहीं है कि सिद्धनाथ का ही अनसीन आ रहा है या कोई सीन आ रहा है तो मुझे अट्रैक्ट करता है। अगर मैं उनके अकेले का भी देखू ना इंडिविजुअली, जैसे शहनाज का ब्लॉग आया, या फिर उसका कोई अनसीन आ रहा है, जैसे सिद्धार्थ का कोई BB14 का भी अनसीन आ रहा है ना, तो वो एक बांध के बैठने वाली बात होती है कि देखना है मुझे क्या बोल रहा है, मुझे सुनना है उसको, मुझे उसकी बातों को सुनना है कि वो क्या कह रहा है। कि मुझे ना वो अंदर से होता है कि क्यूरियोसिटी होती है उनको सुनने की, उनको समझने की, बिकॉज वो एक कनेक्शन फील होता है, एक पीस फील होता है उनको सुन के भी। तो वही है ना कि वो एक स्ट्रोंग सोल है। सिद्धार्थ एक बहुत स्ट्रोंग सोल थी, इसीलिए उसने हजारों करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींचा है कि हम बैठ के सुन सकते हैं, देख सकते हैं उनको। हम बहुत सारे लोग होते हैं, हम उनको टॉलरेट भी नहीं कर पाते, एग्जाम्पल ऑफ BB13 अदर कंटेस्टेंट ना। तो आप सोचो कि जिस बंदे को, जिसके अनसीन हम हजार बार भी देख ले हम बोर नहीं होते, उसमें से कुछ नया ढूंढ लेते हैं, उसे ही उसमें ही प्यार आता है। तो अब सोचो कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग सोल और कितना वो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है उन लोगों का हमारे पे। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सोल, कि उनकी सोल ही इतनी स्ट्रॉन्ग है ना। बॉडी तो वो खत्म हो जाती है, बॉडी हर हर जन्म में चेंज होती है,
लेकिन सिद्धार्थ आज भी हम में जिंदा है, आज भी हम कितने लोग यहाँ पे हैं, 196, आज भी हम, अगर सिद्धार्थ की बातें मैं कॉन्टिन्यूसली करूं तो मुझे लगता है ये सारे लोग 4 घंटा भी सुन सकते हैं, वो यहाँ पे नहीं भी है तभी भी। तो आप सोचो कि उस सोल का इम्पैक्ट कितना स्ट्रांग होगा। तो यही है कि वो यही सिखाते हैं, बीके वाले भी यही सिखाते हैं कि अपने सोल पे आप वर्क करो। और अगर शहनाज की बात करें तो शहनाज तो ऑलरेडी इन चीजों में थी, जैसे उसे वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं गई थी जब तक वो सिद्धार्थ के साथ नहीं थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन चीजों को मानती जरूर थी कि गुरुद्वारा जाना, सेवा करना, पिंगलवाड़ा जाना, उसे सुकून मिलता था ऐसी जगहों पे जाके। फिर वो अंदर से उसका मन इतना साफ था कि वो दूसरे इंसान के तरफ ग्रजेस लॉन्ग टाइम नहीं रख सकती थी। आई थिंक वो गुस्सा होती थी 2-3 घंटे के लिए, फिर चली जाती थी उस पर्सन के पास, क्योंकि वो नहीं, कभी भी नहीं उसके दिल में ऐसा होता था कि नहीं भाई यार नहीं, गुस्सा नहीं रहना किसी के साथ, कि किसी का दिल नहीं दुखाना, है ना। तो वो चीजें उसके पास पहले ही थी जो थोड़ी बहुत अभी वो, हम उसको बोल सकते हैं कि हम अगर कहीं कुछ सीख लेते हैं तो फिर हम उसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए किसी के पास सीखने जाते हैं, उसको अच्छे से मतलब कि अडेप्ट करने के लिए, जो और हमें वो इम्प्रूवमेंट्स आती हैं उन चीजों को समझने में। लेकिन शहनाज में वो चीजें ऑलरेडी थी कहीं ना कहीं, इसीलिए वो इतनी जल्दी उस चीज में उसने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया सिद्धार्थ की फैमिली में, सिद्धार्थ की फैमिली के जो वो जैसे भी तो वालों को फॉलो करते हैं। आंटी तो बहुत फॉलो करती हैं वो, आई थिंक वो सुबह वाले सेशन भी सुनती हैं जो अर्ली मॉर्निंग होते हैं, फिर वो हर थर्सडे को वहां पे जाती हैं, तो उनका मतलब कि वो काफी जुड़ी हुई हैं इन चीजों से। सिद्धार्थ भी था, सिद्धार्थ के पास टाइम नहीं होता था तो वो सेशन जो है वो ऑनलाइन अटेंड करता था, वो भी था इन चीजों में, लेकिन आंटी तो बहुत ज्यादा है। तो आप सोचो कि शहनाज उनके साथ रह रही है तो इस चीज का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होता है, लेकिन उसने इस चीज को इतनी जल्दी अडेप्ट कर लिया, इन चीजों में आ गई, बिकॉज उसकी सोल ऑलरेडी बहुत प्योर थी, कि अंदर से वो एक साफ सोल थी ऑलरेडी, दैट इज वाई वो इन चीजों को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर रही है, वो पढ़ रही है इन चीजों को। और जैसे उसने ब्लॉग में बोला, मेरी तो हंसी निकल गई कि ज्ञान तो मेरे पास बहुत है, वो पहले भी बोलती थी मैं सारा दिन ज्ञान दे सकती हूँ ये चीज तो उसने सिद्धार्थ को भी बोली थी कि ज्ञान मेरे पास बहुत है, मैं क्यों लूँ किसी से बोलती है। तो इसीलिए अगर हम सोचे कि सिद्धार्थ को उससे प्यार हुआ, सिद्धार्थ को उसकी उसकी सोल से प्यार हुआ, उसके बोलेपन से प्यार हुआ, उसकी सेल्फनेस से प्यार हुआ, उसके उसका एक जो ऑरा था वो एक डिफरेंट तरह का ऑरा था जो सिद्धार्थ को भी अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ इन चीजों की प्रैक्टिस 3 साल से कर रहा था, और वो लोग सिखाते हैं ये चीजें, वो लोग इंसान को पढ़ना सिखाते हैं कि दूसरे बंदे के अंदर क्या चल रहा है, कि आप कैसे पहचान सकते हो कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है आपके बारे में, और उसकी क्या वो है, आप कैसे वो चीजें सीख सकते हो, किसी को ऑब्जर्व करना, किसी के माइंड को ऑब्जर्व करना कि वो कैसी सोल है। तो अगर आप इन चीजों में जाते हो तो आप हर चीज सीखते हो कि आप कैसे, आप सबसे प्यार से रहते हो लेकिन आपको एक वाइब आ जाती है, जैसे शहनाज बोलती थी ना, जैसे हम बोलते हैं कि शहनाज सिद्धार्थ को मतलब बताती थी, वो सब सिद्धार्थ उससे करवाता था कि तू डिकोड कर, सबको सबके बारे में पूछता था, वो सिद्धार्थ के अंदर वो चीजें आई थी कि मैं इतनी प्रैक्टिस करने के बाद लाइक 3 साल हो गए कि मैं इन चीजों को देख रहा हूँ, लेकिन ये लड़की मतलब इसने कोई प्रैक्टिस भी नहीं की, कहीं भी नहीं है, लेकिन ये इतनी मतलब कि वो प्योर है कि इसको इतनी जल्दी वाइब आती है किसी चीज की। क्या हो गया, चुप हो गया?
हाँ वो कॉल आ रही कुलदीप जी बोली इतना अच्छा रही है। सिडनास का प्यार अमर है, सहनाज हमेशा खुश रहे, बस उसको वो सब मिले जो वो चाहती है। मिलेगा मिलेगा उसको सब मिलेगा, वो हम सबको भी दे रही है। मैं तो कभी इन चीजों में थी नहीं, मैं सुनती हूँ अब इन चीजों को। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं ऐसी चीज सुन सकती थी या इन चीजों में जा सकती थी। मुझे सिद्धार्थ शहनाज ने जोड़ दिया इन चीजों से, और सच में एक पीस एक सुकून मिलता है उनकी बातों को सुन के। एक नई मतलब दिल में एक होता है कि वो बोलते हैं कि आप अगर कोई काम करने जाओ तो आपके घर में जो भगवान है उसको याद करके उससे परमिशन लेके जाओ। तो मैं जब भी अब बाहर जाती हूँ तो उनसे उनसे परमिशन लेके उनको बोलो कि आप साथ चलो। मैं उनको बोलती हूँ और मैं फील करती हूँ कि कहीं ना कहीं डिवाइन चीजें होती हैं और वो बहुत चीजें सिखाते हैं। अगर बोलते हैं ना कि अगर मानो तो सब है, अगर नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है ना। तो मुझे तो उन दोनों ने बहुत कुछ सिखाया, सच में बहुत कुछ सिखाया है। ऑसम कुलदीप जी, थैंक्स फॉर द मैंने तो जो सीखा है जो सुना है वही बताया है, और जो मुझे लगता है जो मेरे वो है व्यूज है इन पे। क्योंकि अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं कि मैं मतलब मेरी मेरी मैं मैरिड हूं और मेरा बेटा है, मैंने आज तक किसी एक्टर एक्ट्रेस को ऐसे देखा नहीं। कभी किसी की फैन तो दूर की बात है, मैं तो कोई कुछ भी नहीं देखती थी, सिर्फ एक वो देखती थी, वो आता है ना अमन, वो बहुत वह फेमस था। सिद्धार्थ ने भी उसमें काम किया है थोड़ी देर के लिए, क्या बोलते हैं उसको, इंडिया गॉट टैलेंट, नहीं नहीं सीआईडी होता है एक, वो दूसरा आता था जो, सीआईटी, नहीं सावधान नहीं इंडिया, सावधान इंडिया। सावधान। वो मैं उसका एक एपिसोड मिस नहीं करती थी, यूट्यूब पे लगा के बस वही देखती थी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मैं इन लोगों से इतना प्यार करूंगी। शहनाज को मैं जानती थी लेकिन इतना प्यार नहीं था जितना BB13 के बाद हो गया। हाँ क्राइम पेट्रोल रुचि सही पकड़ा। एक टाइम पे ना सही मैंने भी क्राइम पेट्रोल के बैक टू बैक एपिसोड्स ना ये लॉकडाउन में मैंने बड़े देखने स्टार्ट कर दिए थे। मेरी तो है। मम्मी को मेरे पे शक हो गया, मम्मी कहा तू किसी का मर्डर तो नहीं प्लान कर रही, तू ना मैं तो इतना ना ही हर चीज, देखती है। हाँ मैं हर चीज को ना एक डिटेक्टिव की नजर से ऐसे देखना, ऐसा ऐसा मैंने बोला अपने हस्बैंड, मेरे हस्बैंड बोला तू क्या देखती रहती है सारा दिन, सब पे शक कर दी रहती। वो होता है ऐसा, उसका इम्पैक्ट होता है ऐसा। हाँ फिर मैं देखना हाँ छोड़ देता, बड़ा दिमाग खराब होता है वैसे शो देख के। हाँ होता है उसमें कि आप ना मतलब हर चीज को वो इम्पैक्ट तो पड़ता ही ना हम पे, कोई भी चीज हम देखें करें तो थोड़ा बहुत तो होता ही असर उसका। हाँ सही बात है। हाँ इसीलिए कोई बोल रहा मैं नहीं देख सकती क्राइम पेट्रोल। रुचि की सेम स्टोरी है। और बताओ नवी, तुम बताओ कुछ, आ जाऊं स्नेहा जी? स्नेहा जी ऑफिस में, उनका पहले कमेंट आया था। अच्छा सही में वो सिद्ध कहता था मेक्स दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस सो ही इज हेल्पिंग अस। इट्स ट्रू, डैम ट्रू, कि वो चाहता था कि सब, इसीलिए तो वो बोलता था कि मुझे ऑनेस्ट लोग पसंद है। एक कनेक्ट होना चाहिए, जो आपका लाइफ पार्टनर हो उसके साथ आपका एक कनेक्ट हो। तो
उसको यही था कि उसको ऑनेस्ट लोग पसंद थे, और जो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हों, कभी झूठ ना बोलें। और हमारी शनाज तो जरूरत से ज्यादा ऑनेस्ट है, जो बात नहीं बोलनी वो भी बोल ली वो भी उसने। बोल दे रही है सही बात। ऑनेस्ट इंटरनल बंदे सही में वो एक ऑनेस्ट होता है, एक ओवर ऑनेस्ट होता है, वो ओवर ऑनेस्ट है। कि हमें हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगले को गुस्सा आए चाहे वो सिर फोड़े अपना, मैं तो बोलूंगी सच, तो बोलना है मुझे। वो है उसका, वो झूठ नहीं बोल सकती, झूठ बोली भी बोलेगी भी तो पकड़ी जाएगी। गाइस, आप लोग सही बोल रहे हो। कमेंट में सब यही लिख रहे हैं, मैं भी क्राइम पेट्रोल देखती थी, पूरा घर सब करने था। सब यही कमेंट क्यों कर रहे हैं यार? मैंने तो कभी नहीं देखा। आई थिंक लेडीज नहीं देखा सारी। नहीं, आदमी भी देखते हैं हम। मेरा तो वर्स्ट केस पता क्या हुआ था, लॉकडाउन था उस टाइम पे, इतना काम भी नहीं था। एक इंडियन शो, ये क्राइम पेट्रोल ज्यादा चलता था, और मैंने एक वेब सीरीज देखनी शुरू की थी, हाउ टू गेट अवे विद मर्डर और यू, वो दोनों ही क्राइम पे है शोज। मेरा तो सच्ची में इतना दिमाग घूमा था, गया यार ये तो ये क्या ही हो रहा है जिंदगी में। सही में यार ऐसा होता है बहुत बार, सब बोल रहे, स्नेहा जी भी बोल रही है। मैं तो ना, मैं अगर ना कोई एपिसोड का एक पार्ट देख लिया ना, अगर दूसरा रह गया कहीं, वो मेरे को मिल नहीं रहा, तो मैं इतनी वो हो जाती थी ना नर्वस की, और मेरे को इतनी अंदर से क्यूरियोसिटी होती थी, जितनी देर वो मिलेगा नहीं ना मैं कोई काम नहीं करूंगी। कि इसका एंड कैसे हुआ, इसको सॉल्व कैसे किया। सही सही में बात जब है। मैंने हमारे मैंने ना हमारे घर में ऐसा होता है कि शाम को ना गुरबानी लगती है, जो गोल्डन टेम्पल से आती है ना, तो वो हाँ जैसे शाम को क्या होता था कि जैसे 5:30 5 o'clock के टाइम पे ना फिर चैनल चेंज करना पड़ता था, क्योंकि शाम को लगती लगती, और मेरा ना मिस हो जाता था कई बार एपिसोड, कि पता नहीं चलता था मर्डर कौन है। मैंने इंटरनेट पे जाके, सोनी लिप पे जाके वो देखा कौन निकला मर्डर। इतना सच में दिमाग खराब। ये सब घरों में लगती है ना कुर्बानी, हमारे भी यहाँ हम लगाते हैं सब, सुबह शाम दो टाइम हाँ लगाते हैं हम लोग, तो वो होता है। लेकिन मैं तो यूट्यूब पे, यहाँ पे तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे ही देखती थी ना ज्यादा। अच्छा, नहीं मैं तो टीवी पे हाँ आता था ना, क्योंकि उस टाइम पे बैक टू बैक एपिसोड्स आते थे, तो मैं तो जाके तभी सोने लिप पे जाके देखा ही कौन है। तभी ऐसा होता था ना कि YouTube पे एक पार्ट देख लिया, जैसे दो दो पार्ट में डाला है या तीन तीन पार्ट में डाला है, अगर एक पार्ट हो गया दूसरा हो गया, अगर तीसरा नहीं हुआ तो फिर मुझे, मैं ढूंढ ढूंढ के जितनी बार वो, जितनी देर वो ना कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेरे अंदर से मैं कोई काम भी नहीं करूंगी फिर। ऐसा हो गया था, ऐसा सिद्धार्थ देखा, ऐसा BB13 देखा, हाँ ऐसा उसके बोर हो बाद गया। सब मैं इतनी वेब सीरीज देखती थी ना नेटफ्लिक्स पे, और मेरे को लगता है मेरी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन वेस्ट जा रही है जब से ये BB13 स्टार्ट हुआ। मैं अब इतनी मतलब कि जैसे पहले अगर कोई वेब सीरीज मैं 1 month में खत्म कर देती थी, अब मुझे लगता है पूरा साल हो गया मैंने कोई वेब सीरीज खत्म नहीं की होगी, क्योंकि मेरी कुछ तरह देखा ही नहीं और उसके अलावा। मुझे मुझे कोई मूवी, कोई कोई अमेजोन प्राइम भी है मेरे पास, नेटफ्लिक्स भी है, मैं कभी नहीं देखती। BB13 के बाद तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है ना, दिल ही नहीं करता देखने का। ये इनकी नहीं वो खत्म होती, रोज ऐसी आंखों के सामने कोई सीन आ जाता। अच्छा यार ये तो हमने देखा ही नहीं। हाँ ऐसे ही होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी। कल ना मैं एक अनसीन देख रही थी, BB14 का, वो अनसीन था उसके साथ, अपने जान के साथ, शायद तुमने देखा होगा, बहुत वायरल हो रहा है 2-3 दिन से। तो वो कौन सा वाला? अनसीन, वो अनसीन था जब वो समझा नहीं रहा था निक्की के बारे में जान अच्छा, को, कि तू सोफे के अपना पास खड़ा गेम होके। मत, हाँ हाँ गेम मत खराब कर लेना। तो उसमें ना एक बात उसने बोली है कि उसने एक बात बोली है कि आप ना निकी का समझा के ना, फिर उसने एक एग्जाम्पल दिया था वहां पे कि मैं भी ना कई बार ऐसे, अगर कोई जैसे निकी को उसने शायद उस दिन जान ने ना वो नॉमिनेट किया था जिस दिन का वो अनसीन है, तो उसने बोला कि तुमने जो रीजन देके किया है कि वो जान को था कि पता नहीं वो समझेगी नहीं समझेगी, आई थिंक कुछ ऐसा हुआ था। तो उसने बोला, सिद्धार्थ ने ये बात बोली वहां पे,
कि मुझे भी ऐसा ही होता था कि अगर अगले वाला बंदा समझ नहीं रहा तो मैं मतलब ऐसे ही अपसेट हो जाता था। हाँ गाल बोल दिया, मैंने शेयर किया था तो अपसेट हो जाता था। किस तो बोलो। इसीलिए मैं मतलब मेरे मम्मा को मैंने बोला कि ये समझ में नहीं आ रही इसको, अब ये समझ नहीं रही दिस एंड दैट। तो उसके बोलता है कि मेरे मम्मी बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता कि कोई समझता नहीं है, समझते सब हैं। एक ये स्टूडेंट होता है बुरा कि नहीं होता है, टीचर बुरा होता है। हाँ कि मतलब टीचर की समझा मतलब टीचर बुरा नहीं, मतलब टीचर का समझाने का तरीका गलत है। तरीका गलत हो सकता है। हाँ हाँ गलत हो सकता है, बैड स्टूडेंट नहीं होता है, वे ऑफ द टीच वो गलत हो सकता है टीचर का, कि आप उसको उस वे से समझाओ कि जिस वे से वो समझ सके। ये वाला अनसीन तो ना मैंने उस टाइम पे देख लिया था, BB14 वाला। बट मैंने एक रीसेंट अनसीन देखा BB14 का ही, जिसमें वो अपनी फैमिली के बारे में बात करता है बाहर ना गार्डन एरिया में। आपने देखा वो वाला अनसीन? राहुल वैद्य बैठा होता है, सिद्धार्थ होता है, गौहर खान होती है। तो वो ऐसे वो फैमिली बीच वाले कनेक्शन की बात कर रहे होते हैं। तो वो राहुल बोल रहा होता है कि जब आपके मम्मा आए थे वो वाला एपिसोड बहुत अच्छा था कि मैंने देखा। तो वो हाँ बोलता है कि बेस्ट पार्ट ये, बट मुझे लगा कि आपकी मॉम ने उन लोगों के साथ भी बहुत अच्छा बिहेव किया जिनकी आपके साथ नहीं बनती थी, कि बहुत कूल बिहेव किया उनके साथ भी। नहीं तो ऐसा होता ना कि मेरे बेटे के अगेंस्ट है तो थोड़ा कोल्ड शोल्डर देते हैं। तो उसने फिर रिप्लाई में बोलता है कि नहीं, मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, वो ऐसे बिहेव नहीं करती है, कि मेरी फैमिली को पता है कि मैं अपनी बैटल्स खुद लड़ सकता हूँ। ये वाला आंसर मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। नहीं, मैंने वो पहले ही देखा था, BB14 के टाइम ही देख लिया था मैंने वो वाला ये आंसर। नहीं मैंने देखा। हाँ नहीं, मैंने देखा था। उसने बोला था कि मेरी फैमिली ऐसी नहीं है कि वो अगर मेरा किसी के साथ है तो मेरा ही है, वो हाँ ऐसे हाँ कि किसी मैं के अपनी, साथ उनको का पता है मैं अपनी बैटल्स खुद लड़ सकता खुद हूँ। लड़ सकता ये हूँ मेरे नहीं, लिए। नल्ला फैमिली की तरह सारा परिवार ही आ जाता है। यार उनको तो अक्ल ही नहीं, उनके उनका नाम ही क्या लेना, उनका तो हद ही हो चुकी है उनकी तो। सही में बजा रहे हैं लोग उनकी ट्विटर पे, और बजानी चाहिए। सही। वो नहीं मैंने पहले देखा था, वो मैंने अभी रिसेंटली किसी ने ट्विटर पे पोस्ट किया था तब एक देखा था एक मैंने। और अनसीन था ना, वो भी वो मैंने पहले भी देखा हुआ लेकिन आज फिर मैंने देखा। वो जब हम बोलता है कि मैं तो घर की सती हुई बहू, मुझे सब बोलते हैं मेरी मम्मी कह रहा था कि अगर ये वाला टेलीकास्ट मेरी मॉम ने देख लिया तो कहेंगे, तो गौर कहते क्या बैंड बजाएंगे? कहता नहीं, आई एम ओवर द फेस ऑफ बैंड नाउ। फेस बैंड फेस बैंड फेस से ओवर हो चुका है, अब तो ये बोलेंगे कि सताई हुई है, कि इसको तो ऐसे ही बड़ा कर दिया है, प्यार ही नहीं किया यार। उसके ना BB14 के जो अनसीन है ना, वो एक फन है, एक मतलब एक वो देखना ही उसको फन है। वो उसने इतनी सही। बातें की है ना BB14 में, कि उसने ये भी क्लियर किया था ना कि मेरे मम्मा को मैं जब BB13 में था, सबके घर से खाना आया था तो मुझे आलू की सब्जी और पूरी बना के भेज दी मम्मा ने, तो मैंने सोचा कि पक्का मेरी मम्मा मेरे से गुस्सा में गुस्से में सही भेजा है, सबके घर से अच्छे अच्छे पकवान बन के आ रहे हैं तो मुझे कैसा खाना आया। तो फिर बोलता है कि मुझे बाद में क्लियर हुआ कि वो खाना इसलिए भेजा था क्योंकि इन लोगों ने ना एट ए टाइम बोला था सिद्धार्थ के घर पे 2 घंटे पहले कि आज खाना भेजना है। तो फिर मम्मी ने जो जल्दी जल्दी में बनने वाला था कि जैसे मैं हाँ हाँ कि हमारे घर पे अगर मैं जल्दी जल्दी में खाना हो कुछ, मैं रात को लेट आया हूँ तो मेरे मम्मा आलू की सब्जी और पूरी बना देते थे, उन्होंने वही वही आलू टमाटर की सब्जी और पूरी बना के भेज दिया। तो और बोलता है कि देखो ना मैं ये यही वाली सोचता चीज, रहा कि वो मेरे से गुस्सा है इसीलिए उन्होंने अच्छा खाना नहीं भेजा। मेरे को ना, और ये वाली चीज सुन के मेरे को एक ये चीज याद आई, ये जो बाकी बड़े सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं जिनके घर से ये चिकन वगैरह आया था, डब्बू ने चिकन बनाया, अब्बू ने पता नहीं क्या बोल रही थी इतने शॉर्ट नोटिस पे चिकन का वहां कहाँ बनता है इतने शॉर्ट नोटिस पे। मतलब मैं वेजिटेरियन हूँ बट मुझे इतना तो पता कि उसको उसको टाइम लगता है बनने में। आई थिंक ना नवनीत, शायद कुछ लोगों को उन्होंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, कुछ को बाद में इन्फॉर्म किया होगा। जैसे सिद्धार्थ का घर पास में ही है तो वो इतनी दूर नहीं है करके उनको शॉर्ट नोटिस पे ही बताया गया था, तो उन लोगों ने
जैसे शहनाज का था तो उसको तो मतलब यहीं से कहीं आया होगा खाना, इतनी दूर से, तो आई डोंट नो कि कहाँ से, पर वो इतनी लेकिन ओवर एक्टिंग थी ना कि खाना एक बाइट लेते ही उसको पता लग गया किसके हाथों, तो वो फिल्म ही नहीं होता माँ के हाथों का स्वाद, मतलब बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग लगी थी मुझे वो, कि ये मेरे को पता चल गया एक बाइट खाने से कि क्या उसके क्या बोलती है उसको, अब्बू डब्बू उसने अब्बू बनाया अब्बू 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 कि उसने बनाया रो रही है खाना खाते खाते, रो रही है, किसी से पूछा भी नहीं कि खा लो, आप खुद सही। दूसरों के बाइट्स ले रही है तो खाने के। यार उनका तो अलग ही है, वो उनको तो सुनना करना पता नहीं, और वही जिस तरह बात से है वो ना कि खाती है ना, अगर मेरी प्लेट से वो एक चम्मच भी खा ले मैं तो खाना ही छोड़ दूँ वहां पे, सच्चे सही सही में बहन बहन यार, उनको देखना है इतना। तू ही खा ले। मैं ये बात ना शहनाज ने बोली थी तब शुरू शुरू में ना, तो शहनाज ने ये बात कही थी कि मुझे ना मतलब जब खाते हैं ना सब तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं अलग बैठ के खाती हूँ, दूर जाके मैं खा नहीं वो पाती सबके कईयों साथ को बैठ के। चीऊ की आवाज से प्रॉब्लम होती है ना नहीं वो जब भी होती वो, है, लेकिन सम ऐसा होता है ना कि हम लोग कई मतलब जैसे हाथ से नहीं खाते, तो कोई हाथ हाथ हाँ से खाता है तो हमें वो चीज, वो कुछ लोगों को तो नहीं, कुछ लोगों को वो चीज थोड़ा होता है ना कि जैसे वो वो चम अपने, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती सॉरी यार अगर किसी को बुरा लगे, अपने पंजाब में हमारे खाते नहीं है ना हाथ से, तो हम हाँ चम्मच से खाते हैं, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है इस चीज में यार, कोई नहीं गुस्सा मत करना, वो ये तो वैसे भी नहीं, बोल रही हूँ। वो तो छोड़ दो हाथ से, चलो वो जिनका है वो खाते हैं वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन तुम ना देखना वो उसका जमूरी का, वो हाथ से तो अलग बात, वो स्पून लेगी सारा खाना खाएगी, स्पून से भी खाएगी, फिर वो ना वो जो प्लेट में बच जाएगा वो ऐसे पूरे हाथ से साफ करके ऐसे आपको जब करे, ओ माय गॉड मुझे इसका वो वाला सीन याद आ गया जब वो बेड पे बैठ के खाना खा रही थी और चुगली कर रही थी सिट के बारे में, कि कैसे हाँ दिन बदलते हैं ना। हाँ तो वो कर्ड जो है, वो कर्ड तो ऑब्वियसली हर बंदा चम्मच से ही खाता है, तो वो हाथों से ऐसे कर्ड चम्मच साइड में पड़ा है प्लेट में, उसे उठाने में वो चम्मच को दर्द थोड़ी ना हो जाएगा, तुम्हें तो होगा लेकिन उसको जो तो होगा ना। लड़की वाटरमेलन पता नहीं क्या संतरे खाते खाते बीच में टास्क कर सकती है उन्हीं गंदे हाथों से, उससे क्या ये करें। मुझे तो वो सीन ही नहीं भूलता मेरे तो सच्ची, एकदम अगर मेरे कोई ऐसे गंदे हाथ लगा होता ना मैं तो मुड़ के थप्पड़ मार देती हूँ और बिग बॉस मेरे को बाहर निकाल देते। एक ना इनकी ये बहुत थी, मैंने ना सिद्धार्थ को और शहनाज को हमेशा ही टेबल पे या कहीं बैठ के खाते हुए देखा है, मैंने ऐसे चलते हुए खाते हुए नहीं देखा इनको ना, वहां था कि मतलब प्लेट हाथ में है और चल के कहीं भी जाके मुंह से बातें करनी है खाते हुए, चाहे मुंह से बाहर आ जाए, बैठ के खा लो भाई बाद में बातें कर लेना, बीच में उठ के प्लेट लेके फिर किचन में खड़े होके खाने, ये कौन सा स्टाइल है यार, एक बार तीन बार हमें खाना खाना होता है, सुकून से बैठ के आराम से 3 बार या 2 बार बैठ के खाओ कि आपको अच्छे से डाइजेस्ट भी हो, आप कहीं भी खड़े हो कहीं भी खाना शुरू कर रहे हो ये और वो ना ठीक किचन है। नाइफ ही वैक्स करने के लिए भी यूज करती थी। हाँ किचन नाइफ, ये सना ने एक उसमें बोला है एपिसोड में, जब वो बोलती नहीं है उसने पैक लगाया होता है मुंह पे सिद्धार्थ, और वो हाँ ऐसे खेल रहे होते हैं पता नहीं उस दिन ऑफ होता है उनका या कुछ, तो वो उसके जो किचन किचन शेल्फ होती है उसके ऊपर से जंप नहीं करने लगती, तो बोलती नहीं है कि अगर वो जमूरी किचन नाइफ से वैक्स कर सकती है तो मैं इसके ऊपर से तो जंप कर ही सकती हूँ। अच्छा हाँ सुना है मैंने, मैंने वो इतना ध्यान नहीं दिया कि वो क्यों ऐसा बोल रही है, सुना तो है मैंने। अच्छा किचन नाइफ बहुत से करती थी वो, अनहाइजीन। हाँ माय गॉड यार हद है इन लोगों की, कुछ भी करते हैं यार वहां पे कुछ भी, वो मोमो का मोमो तो खाती है हाथों से थी वो तो उसका था, लेकिन वो भी चलते चलते खाती थी, मैंने बहुत बार देखा उसका। उसकी तो मुझे ये चीज ही इतनी अजीब लगी थी कि अपने अंडे स्टोर करके रखती थी कि मैं खुद खाऊंगी नहीं तो मैं दूंगी भी नहीं, मतलब वो फूड सड़ जाए गल जाए वो मंजूर है बट किसी के पेट में ना जाए, मतलब कितनी सोच पता चलती है इनकी इससे। एक मिनट नवनीत, नवनीत तुम बात करो, मैं 1 मिनट में आई।
वाओ, आप लोगों ने सारे BB14 के अनसीन्स कवर कर डाले और साथ में एक ही भी बात कर ली, किसकी बात कर ली? जमूरी की। किसी ने लिखा राधिका जी नाराज हो जाएंगी, इतनी ज्यादा बात मत करो जमूरी की। नॉट एग्स चीज एंड योगर्ट, नहीं वो एग्स भी स्टोर करके रखती थी। तुम्हारा जो हेडफोन का वायर है ना, उससे साउंड हो रहा है, तुम हिल रही हो, क्या कर रही हो? मुझे तो नहीं आ रहा साउंड। तुम्हें क्यों आएगा, वो मुझे ही आएगा, जो सुनते हैं उनको आएगा, तुम्हें नहीं आएगा। या मेरे ना एयरपॉड्स खराब होने लग गए हैं, उसकी जल्दी बैटरी डाउन हो जाती है, तो मैं भी ये वाले यूज करने लग गई हूँ। उसके 2 साल ही हाँ, बैटरी ये चलती है। हिलो मत बस। बर्थडे ट्रेंड कितना क्रॉस किया, 1.4 मिलियन ट्वीट्स निकिता जी। सो सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने भी ट्रेंड में पार्टिसिपेट किया था दिन रात। हम भी अपने लाइव में थे उस वक्त, ट्रेंड कर रहे थे। 7 बजे तक ट्रेंड किया है मैंने और अम्मा ने, तो सुबह के 7 बजे तक। मेरा लास्ट ट्वीट सुबह के 6 बजे निकला था। सो 1 मिलियन हुआ, 1 मिलियन प्लस हुआ, उसके लिए सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया ट्रेंड में। 1.7 मिलियन या 1.4, 1.7 ऑल पुट टुगेदर तो 1.7। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को बहुत बहुत। ये ना किसी ने पूछा है नवनीत कि वो जो बिजली गिरने वाला था कि वो एक अनसीन है ना, शनाज यार बोलती वो है सच कि में पंजाब में वो स्टोरी सच में है बोलते वैसी। हैं ऐसा। हाँ होता है मेरी ऐसे ना, पंजाब में। मेरे को मेरे हाँ मामा जी ने एक बार, मुझे याद है मैं अपने नान के गई थी और बहुत तेज बिजली और बारिश पड़ रही थी, तो मेरी मामी ने मेरे को बोला कि तू दूसरे रूम में जा, कि मामी और भांजी जब बिजली गिरती है तो एक साइड नहीं, ये पंजाब में मानते हैं, मतलब मेरे नानकों में तो मानते हैं, उन्होंने मेरे मुझे नान के भी दूसरे कमरे में मानते भेज दिया हैं। था। हाँ हाँ ये मैं पंजाब, ना, क्योंकि जो स्टोरी बता देती हूँ मैं इसकी, क्यों मानते हैं, क्योंकि जो बिजली है ना, मतलब ऐसे हमें जो स्टोरी सुनाई गई है वो ऐसी है कि जो कंस मामा था उन्होंने जब ये बच्चा चेंज किया था कृष्ण जी को, और जो लड़की उनकी, मतलब अगर सॉरी यार मैं थोड़ी, मतलब मेरे को एग्जैक्ट अभी हिंदू धर्म का इतना पता नहीं है, तो जो लड़की एक्सचेंज की थी ना, जब उन्होंने कंस ने उस लड़की को मारा था, तो वो कहते हैं कि वो लड़की बिजली बनी है, ऐसे बोलते हैं, ये स्टोरी है हमारे यहाँ पे, तो वो बिजली बनी है, तो बिजली और मामा का ये इशू है। तो ऐसे हमारे यहाँ स्टोरी सुनाते हैं कि जब मैं बिजली चमकती है तो ये भांजी और मामा को इकट्ठे नहीं रहना चाहिए कि गिरती है बिजली। ये है एक्चुअल में स्टोरी है, वो सिद्धार्थ ने मजाक बना दिया क्योंकि शायद आज वो स्टोरी सुना रही थी, बट पंजाब में एक्चुअल स्टोरी है ये। लेकिन उसको सुनानी नहीं आई ना नवनीत, उसको अच्छे से हाँ बताना ही नहीं आया एक्चुअली उसको, वो कौन सा उसको ये ये, रीजन ही ना देना है ये हाँ पूरी कि ये कौन सा वाली। है, कौन कंस है, कौन क्या है, उसने वैसे ही वो बोला तभी, मतलब कि वो भी कंफ्यूज हो गया सिद्धार्थ भी कि ये क्या बोल रही है, तो क्योंकि ये इसीलिए उस, बचपन में हमें भी बोला गया हाँ, हमें भी बोला गया है कि जब बिजली होती है तो जहाँ पे मामा बैठा है वहां पे नहीं है। बैठना। हाँ कि उसके पास नहीं रहना, क्यों? मेरे को तो याद है एकदम, एक तो मैं तो नान के गई थी, मेरे तो है भी 4 मामा जी मेरे, तो उन्होंने मेरे को अलग कमरे में भेज दिया कि तू यहीं रह, तेरे को यहीं नहीं खाना पानी मिलेगा। हाँ, तो मेरे तो एक ही मम्मा जी हैं, तो मेरी नानी ऐसा बोलती थी कि ऐसा होता है करके, कि मतलब जब अगर बिजली ऐसे हो रही है तो नहीं रहते अपने मामा के पास हाँ में क्योंकि रहते। हाँ कि वो लड़की बिजली बनी थी, तो ऐसे मामा और उसका ये है, ये हाँ। स्टोरी हमारे भी सुनाते हैं। वो एक्चुअली में मेरे को बड़ी हंसी आई कि सिद्धार्थ उसका मजाक बना रहा है, हमारे यहाँ होता है ऐसा, वो सच्ची बात था। है। और ये जो डायलॉग था, साडा कुत्ता कुत्ता ताडा कुत्ता टॉमी, ये पता मैं कब से सुनती आ रही हूँ, जब मैं आई थिंक मैं +1 या +2 में थी, मतलब ये पंजाब में तो ये चीज चल रही थी 10-12 साल से। बट वही हाँ है ना कि शहनाज में वो पंजाब वहां निकल रहा था और पूरे इंडिया को वो दिख रहा था।
हाँ ये वाला, ये उसका भी गिट्टी का भी डायलॉग है उसकी मूवी में भी, उसने डाला है ये वाला डायलॉग। वो कौन सी मूवी आई थी उसकी जो बहुत चली थी यार, जिसमें वो भी था, बीनू ढिल्लो भी था, उसका सेकंड पार्ट भी उसने बनाया था, फिर कैरी कैरी ऑन जट्टा। ऑन जट्टा में था। मुझे आज वैसे एक बात बड़ी अच्छी लगी, गिप्पी गरेवाल की ना सारी फैमिली के अकाउंट से सना को विश किया। गिप्पी गरेवाल ने हाँ खुद ट्वीट भी किया, खुद स्टोरी भी डाली, फिर उसके जो बेटा जो मिडल वाला हौसला मूवी में जो था, उसके हाँ शिंदा उसके अकाउंट से भी शिंदा डाली, फिर वो छोटा वाला गुरबाज उसके हम्बल उससे भी किड्स वाले डाली। के भी, हाँ उसपे हाँ, भी और आई उसकी जो था। वाइफ है ना रवनीत, उसके अकाउंट से भी डाली उन्होंने। हाँ एक्चुअली ना रवनीत उसकी फैन है सना की, वो आज हाँ रवनीत ने ना वो सारा ही, रवनीत ने वो सारा बिग बॉस 13 सिर्फ सना के लिए देखा है। हाँ हाँ बहुत नवनीत वो, काले कपड़े भी नहीं डालते जब बिजली होती है। हाँ हाँ ये भी ये बोलते भी हैं बोलते हैं। ये लोग, तो सारे बहन पंजाब में ही है क्या? कुछ भी बोलते हैं हमारे घर वाले। लेकिन बात अगर आगे है ना हमारे बच्चों को ये सब नहीं पता, क्योंकि हम लोग ऐसी बातें ही नहीं करते हम नहीं ना ना, बताते पता है। इसलिए। हाँ हाँ यहाँ तो वैसे भी मैंने कभी देखा नहीं है कि लाइटनिंग वगैरह बहुत कम यहाँ होती भी नहीं है लाइटनिंग, यहाँ इंडिया में तो हो जाती है कभी यहाँ नहीं कभी। होती, बहुत कम, रेयर है कि कभी साल 2 साल में एक बार। आगे आगे राधिका जी आगे। अमन मेरे मन स्टक हो गए। आपके कमेंट स्टक नहीं हुए हैं, कमेंट करो आ जाएंगे। हम लोग हाय हाय करके भागते रहते थे हाय वेलकम हेलो बैक। यार नवनीत, कोई चक्कर नहीं यार, बट आपका ये एक मिनट के लिए आपका खून नहीं खौला कि ये लोगों का नहीं दिमाग कैसे चलता? नहीं 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 बिकॉज सिद्धार्थ जैसा बंदा सब सबके पल्ले, अभी हिस्ट्री सबके पल्ले नहीं पड़ती, मैथमेटिक्स सबके पल्ले नहीं पड़ती, कैलकुलस सबके पल्ले नहीं पड़ती, इंटीग्रल थियोरी सबके पल्ले नहीं पड़ती, तो वो चीज है। नहीं वो तो चलो ठीक है, बट ये जो हाँ अपनी तरफ से दो चार चीजें कि जो उस मतलब ऐसे मेंशन किया था कि ऐसे बोला वैसे, वो तो बातें थी भी नहीं, बीच में अपनी अजम्पशंस भी लगा देते हैं। हाँ तो फिर क्या हुआ फिर? एग्जैक्टली वही, इसीलिए तो हम लोग ये नोट्स बना बना के, फिर साइड नोट्स, फिर मैं स्नेहा से पूछती हूँ, स्नेहा मेरे को पूछती है कॉल पे ही, मतलब वो हो रहा है कि बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ वेरी, मतलब यू नो, पहुंची हुई चीज है भाई ये दोनों, सिद्धार्थ और शहनाज ऐसी नहीं है ये लोग इनको समझना ऐसा बैठे बैठे, और ये चैनल चैनल के बदौलत, मैंने कहा साला दो दो सीजन पहले का डाल रहा है ये, अभी जर्नीज में ये भी होता है मतलब कुछ भी कर रहा है, चैनल बौखला गया है। सो ठीक है, तो इट्स गुड, आई एम नॉट एन इंजीनियर, माय हस्बैंड इज एन इंजीनियर। सी जब मैंने इससे पहले जब मैं आई थी, तब मैंने वो क्लासरूम की एनालॉजी दी थी ना, जो 40 50 60% वाले वो मैं थी, मैं कोई एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी जस्ट सो यू ऑल नो, मैं कोई डिस्टिंक्शन वो टॉपर वॉपर नहीं थी, जस्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ। सो बट या आई मीन इट्स ऑल गुड। तो वही चैनल ने भी बहुत दिमाग खराब किया था ऑडियंस का, और उनको एक नैरेटिव चलानी थी अपनी, और तो ये हो जाता है। और सी पीपल, वो भी है ना, अभी हम कितना ध्यान से देखते हैं, और हम हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं लाइफ में, हमको उस हिसाब से हम यू नो हमारे परसेप्शंस बनते हैं लोगों को देखकर, है ना। सो इट्स गुड, मैं आई वोंट जज एनी बडी, बट हाँ अगर
ये सब होने के बाद भी अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते उनकी सोच। मतलब भाई मेरे को ये था कि अगर किसी रैंडम कमेंट होता ना किसी पोस्ट पे या उस फैंडम का कोई बंदा होता तो मेरे को था कि अब इमेजिनेशन तो बंदे की इमेजिनेशन का तो कुछ है ही नहीं ना, ह्यूमन इमेजिनेशन तो किसी भी लेवल पे जा सकती है। मेरे को ये था जो लोग लाइव सुनते हैं और खुद को सिडनास फैन बोलते हैं वो भी अगर यही थॉट लेके चल रहे हैं तो तुमको उसको बोलो ही नहीं। नहीं हाँ नहीं सिडनास फैन है ठीक है, एक चीज ये सिडनास फैन है नहीं है किसके फैन है नहीं है, हम सब में ग्रेस होनी चाहिए, मतलब बेनिफिट ऑफ एज अ फैन एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि आप यू नो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो। अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहे हो तो फिर आप हाँ जी आप जो डीएम बता दें क्योंकि फिर इस लाइव में डिस्कस हो रहा है तो लोगों को पता चलना चाहिए क्या डीएम। हाँ तो नवनीत आप बोलो मैं पढ़ के सुना देती हूँ। हाँ वही एक प्रॉपर मैसेज पढ़ के सुनाती हूँ। हाँ नाम नहीं बोलती और वही एक मैसेज पढ़ के सुना देती हूँ, बाकी ऊपर नीचे के चैट रन देती हूँ। तो डीएम है मुझे भी आगे पढ़ते हुए, मुझे लगता है कि सिड मोमो का कुछ तो होगा नहीं तो फैमिली वीक में कैसे मोमो के साथ ही था, आसिम को भी बात करने नहीं दे रहा था उससे, उसने कहा कि मैं जानता हूँ कैसे चुप करवाना है और भी बहुत कुछ पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, पर मुझे लगता है सिड प्यार करता था। प्लीज आप ये राधिका जी से पूछना जब वो डिकोडिंग करेंगी तो सब क्लियर कर देंगी, पर फिर भी कुछ तो था सिड की तरफ से, YouTube पर पूछ सकती हूँ पर अमन ब्लॉक कर देता है फिर नई आईडी बनानी पड़ती है, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ राधिका जी से बात करना, ये मेन है। हाँ अगर देखो ये कब से सिलसिला चल रहा है, सेकेंड वीकेंड के बाद से या सेकेंड वीक से जब मैडम ने बोला टच किया फिर थर्ड वीक में वो हुआ मीटू वाली बात हुई ठीक है, तब वो जेल टास्क हुआ, फिर उसके बाद स्नेक्स एंड लैडर्स हुआ ठीक है, फिर उसके बाद स्नेक्स एंड लैडर्स के बाद वो तो खैर वो तो गई फिर गई उसको निकाल ही दिया चैनल वालों ने निकाल दिया, मैं बोला कि चल तू क्लास में जाके बैठ थोड़ा सीख वीख ले, हम देखो यू नो पेपर देंगे एग्जाम के पेपर देंगे, उसको उठा लिया ठीक है वहां से दो उसको, और वो कौन है वो बंदी दूसरी OMG हाँ उसको लेकर गए बाहर बिकॉज वो क्लास में बैठने के भी लायक नहीं थे ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद आई वापस हाँ फिर से वही, और शहनाज ने भी बोला बाहर गई देखती क्या हो रहा है टीवी पर देखती, ये अपनी सना ने बोला, फिर आके फिर वही हरकतें करना फिर वही कर रही है हाँ, फिर ट्रेन टास्क हुआ, फिर ट्रेन टास्क में बात नहीं बनी, रामलाल का और उसका कांड हुआ, फिर उसके बाद सीक्रेट रूम हो गया, फिर उसके बाद चाय हो गया, चाय में क्या क्या शब्द बोले उसने सिद्धार्थ के लिए चाय हो गया ठीक है, चाय के बाद उसमें उसका उसका पेट नहीं भरा, फिर वो फिर से माइक मुंह में ठूस ठूस के कहानियां बोल रही हैं हाँ, तो और यू नो सिद्धार्थ ने तब रेनबो का एक अलग ही मीनिंग हम सबको सिखा दिया, हमको लगता था रेनबो होता है जो स्काई में होता है ठीक है, तो रेनबो का अलग ही मीनिंग सिखा दिया सबको हाँ, और वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया ठीक है, तो ये सब हुआ। फिर अभी ये जो चाय के बाद वाला वीकेंड जो अभी हमने रिसेंटली डिकोड किया वो हुआ, अभी इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर उनको लगता है कुछ है गुड फॉर देम, बट हम लोग तो भाई क्लियर एज रियल है जैसे सिद्धार्थ है वो क्या यस राधिका जी अभी अभी मुझे पता चला है वो सिड्रा फैन है इसीलिए वो आपसे जानना चाहती थी, तो सिडरा फैन को हम ब्लॉक करते हैं उनको। अरे मैंने 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 बोला भी आगे से, मैंने कहा अगर आप सिडरा फैन हो तो इमेजिन करते रहो, फिर बोले नहीं नहीं मैं तो सिडनास फैन हूं। नहीं है नहीं नहीं कोई सिडनास फैन ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा, क्लियर बात कोई नहीं करेगा। तो बस सही सही सिंपल बात है और कुछ नहीं है, अगर लोगों को वो खुद वो बंदी ने खुद बोला है
शो पे चीखे मार मार के बोला है. अभी वो खुद बोल रही है लेकिन लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं तू जो बोल रही है वो झूठ है, असल में तेरे को प्यार है. मतलब प्यार है. मतलब वो लाइक सच्ची में उसी के फैन है, सिद्धार्थ के फैन नहीं है. बिकॉज ये यहाँ पे यू नो बेचारा अपनी सफाई दे रहा है, अपना पूरा वो कर रहा है मोनोलॉग पे मोनोलॉग. यहाँ पे बीमार हो गया लड़का. हाँ फिर भी तू जा अब यू नो डीपी चेंज कर लो भाई. मेक श्योर नवनीत उसका डीपी पे सिद्धार्थ या शहनाज नहीं हो. अगर है तो वो अकाउंट को रिपोर्ट कर दो और ब्लॉक कर दो स्पैम अकाउंट के. मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो, एक या दो बोलो. नहीं जैसे वो किसी ने बोला है ये बात, तो उसमें ना एक बात देखने वाली है कि इन लोगों को ये नहीं दिखाई देता कि ये बात शहनाज ने क्लियर की थी कि मैं ना फर्क दिखाना चाहती हूँ कि जो तुमने मेरे साथ किया है वो लेटर फाड़ के मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि फर्क क्या. यही सिद्धार्थ ने दिखाया था कि तुमने जैसे भी मुझे टारगेट किया जो भी किया उस दिन वो इमोशनल थी तो सिद्धार्थ ने उसे पानी पिलाया, क्योंकि वो एक्चुअली वो भी अपनी मम्मी के साथ बहुत अटैच है सिद्धार्थ भी. तो ये फर्क होता है इंसानों में, ह्यूमैनिटी में. तो वो लोगों को दिखा है फर्क क्यों, सिद्धार्थ और शहनाज क्या है और मोमो क्या है. और इसमें कोई रोमांटिसाइज करना और वो करना वो तो सिद्रा वाले ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. कि उस चीज को ह्यूमन इमेजिनेशन तो कहीं भी जा सकती है. वही ना. नहीं, लेकिन आप इंसानियत किस के साथ कंपेयर करते हो जिसमें इंसानियत होती है. इंसानियत इंसानों में होती है, मुझे मोमो में इंसानियत आज तक नहीं दिखी है. सो मैं वो सिद्धार्थ और मोमो को एक सेंटेंस में भी ना यूज करूं. सो वो नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए तो जो इन लोगों को रोमांटिसाइज करते हैं उसके लिए तो मोमो. नहीं नहीं, वो तो मैं समझती हूँ आपकी बात राधिका जी, पर मैं वही बताना चाह रही हूँ ना कि उन लोगों ने फर्क बताया कि ह्यूमैनिटी क्या होती है और जो ऐसे गंदे लोग होते हैं वो क्या होते हैं. और अगर आप उन चीजों को रोमांटिसाइज कर रहे हो तो फिर वो उनकी फैंस की गलती है या फिर उनका सोच का वो है लोचा है कि क्या है उनकी सोच में. गलती नहीं है अभी, सही है. उनको उनको अगर मोमो आइडल लगती है तो Peace out. Live and let live. जियो आप अपनी जिंदगी, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है. अभी go for it. Enjoy, you know. जैसे कल वो हम बात कर रहे थे, you know, गेंदे के फूल में there is like a कीड़ा. कीड़ा को लग रहा है भाई साहब मैं फूल में घुस गया, मेरी लाइफ तो सेट है. मैं तो बस मेरा लाइफ तो सेट है. मैं अभी बाहर जाके आई विल गो मैरी अनदर कीड़ा बिकॉज मैंने फूल में एंटर किया है, मैंने उसका वो नेक्टर पिया है. अभी मैं जाके शादी मनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा. उसका लाइफ सेट है बिकॉज ही इज अ कीड़ा. बट अभी हम देख रहे हैं तू कीड़ा ही है और तू कीड़ा ही रहेगा. बट उसके लाइफ में वो कीड़ा है, he's made it, right? So, अभी मोमो के आइडल्स है, अगर मोमो जैसे आइडल्स है और लोग उनको आइडल मानते हैं, have at it, knock yourself out, period. We are happy, you know, with the flowers. You are happy with idolizing people like momos. Peace out, people. That's जो जो हर सीजन में अपनी चाबी किसी को दे देते. हाँ कुछ चाबी दे दे, घर खुला छोड़ कर आए, हमें क्या करना है. दरवाजा ही खोल दो, खोल के रखो. चाबी क्यों दे, ताले भी क्यों लगा दे, खोल के रखो. सही में सही में अगर किसी ने बीबी 13 देखा है जो ऐसे सिद्रा फैंस हैं तो उनको बोला कि स्टेज पे प्रीमियर पे ही देख लेना. सिद्धार्थ ने बोला था कि सलमान ने बोला था कि आ देखना चाहोगे आप आगे इसमें मोमो में, तो उसने बोला इसकी सच्चाई जो इतना सच बोलती भर भर के वो दिखाई है उसने बीबी 13 में अच्छे से. Yeah. Wow, what a oh, life is going on between Navneet ji, Kuldeep ji, Radhika ji. Jabardast life chal raha hai aaj to. Aur koi Navneet hai aise? आप तो ना सोच नहीं सकते मुझे कैसे कैसे डीएम आते हैं. मतलब लोग फिर मैं सोचती हूँ यार मैं इनको क्या रिप्लाई. मैं एक पॉइंट पे मैं ऐसे पॉइंट पे आई थी कि इसको मैं क्या ही बोलूं. मतलब स्पीचलेस नहीं हो जाता बंदा वो. और लकीली उस टाइम जिस टाइम मुझे ये डीएम आया ना उसी टाइम मुझे रिचू जी का कुछ फनी सा मैसेज आया था, मैंने उनको भेजे थे ये स्क्रीनशॉट.
मेरा थोड़ा सा तो पारा वहां से हल्का हो गया था. नहीं नहीं ब्रिंग इट ऑन ड्यूड. मतलब अभी मैंने ना सिद्धांत सेन उसको देखा ही है डीपली बिकॉज ऑफ द डिकोडिंग, बट इनको इतना डीपली देखा है वो होता है ना लाइक यू कैन नॉट अनसी. आप कुछ चीज देखते हो फिर उसको अनदेखा नहीं कर सकते बिकॉज वो आपके माइंड में एक ऐसा छाप छोड़ जाता है. अभी ये लोगों को मैं जब भी देखूंगी ना जिंदगी में बस वही विजुअल्स आएंगे एंड इट्स टू लेट नाउ. तो मुझे जो भी कुछ भी कोई भी कुछ भी बोलेगा इसने ये किया है इसने ये धर्म अपनाया है अभी वो पूरा त्याग करके संन्यास लेने गई है कोई फर्क नहीं पड़ता. बीबी 13 में जितना देखना था उतना देख लिया बस अभी उसके आगे दैट्स माय ओनली वर्जन फॉर ऑल दीज पीपल एवरीबॉडी इंक्लूडिंग यू नो सिद्धार्थ एंड शहनाज. अगर मेरे को सिद्धार्थ और शहनाज के लिए कोई आगे से कुछ बोलेगा आई एम लाइक पीस आउट हैव अ नाइस लाइफ मुझे छोड़ दो. मेरे मन में जो उनके लिए है वो है कोई नो वन कैन चेंज इट पीरियड. सो सची इसीलिए बिग बॉस 13 वॉज नॉट जस्ट अ सीजन. It was so much more than that. Yeah, so much exactly. more than that. Just because of these two people. Yeah. Just because of these two people. And channel ko idea bhi nahi hai. Shayad idea hai. Pata nahi kya hai unko. Unka dimag kahan chalta hai. That's one mind I don't want to get into. Wo channel ka. Kaise hai wo log. But unko matlab ये दोनों जो मिल गए हैं अभी उसका बहुत मतलब दे विल एनकैश इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मुझे वो लॉजिक समझ नहीं आया कि मोमो के जर्नी में सिद्धार्थ और रामलाल का क्या काम है. एक तो वो ये सीजन से नहीं है. हाँ अगर उसकी पूरी जिंदगी की कहानी उसको कुछ यू नो फेलिसिटेट कर रहे हैं कि ये हमारी हॉल ऑफ फेम में जाएगी और ये बताना चाह रहे होंगे कि रामलाल से चाबी लेके उमर को चाबी कैसे दी गई है वो अलग बात. वो दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे शर्ट फाड़ी थी सिद्धार्थ ने कैसे दिखाया था वो इनको दिन में तारी कैसे दिखाते हैं जो तुम लोग कर रहे हो ना. पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यू नो बिकॉज़ उनका कंटेंट है. इसका मतलब ये नहीं जो भी कर लो पागलों की तरह बट And I think this is how they're going to lose their audience. Period. पर आपको पता host कौन करने आ रहा है? सिद्धार्थ डे वो वाला task. अच्छा कीड़ा. Sorry. मेरा वो analogy में चला गया दिमाग कीड़े वाली analogy. Because कीड़े को लगता है वो एकदम king है. तो अच्छा. I think मुझे लगता है कि ये सिनारियो मोमो ने खुद दिया है बिकॉज एक ना अनसीन कोई है पता नहीं वो अनसीन है कि क्या है क्लिप है वो भी वायरल हो रही थी ट्विटर पे और मुझे किसी ने डीएम की थी वो वाली क्लिप. उसमें ना मोमो सिद्धार्थ को और बीबी 13 और बीबी 15 को कंपेयर कर रही है कि तुम्हारा जो शो है ना नवनीत वो मैंने ये फ्लॉप वाला भी और ये जो भी आरजे वाली भी मैंने क्लिप देखी उसमें वो पता नहीं कोई आरजे पूछ रहा होता है कि आप कैसे कंपेयर करते हो बीबी 13 और 15 को तो बोलते हैं कि बीबी 15 के जो कंटेस्टेंट है ना वो ज्यादा क्यूट है. मैं क्या हे भगवान. हाँ वो वहां बोल रही थी ना कि जो लड़ाइयां हमारे वहां हुई है जो सब हुआ है तो वो यहाँ तो कुछ भी नहीं था. तो वो जो मैडम है ना दूसरी क्या उसका नाम तेजा है ना शायद उसका नाम तो वो बोल रही है कि तू आई क्यों है फिर 15 में उसको बोलती है कि हाँ इतना ही फ्लॉप शो है तो तू करने क्या आई है. हाँ करने क्या आई है तो वो ना एक्चुअली स्नेहा जी के फेवरेट है वो. स्नेहा जी मुझे मारना मत. यार उसका तो दिमाग उसकी ना इतनी क्लिप्स वायरल होती है ना उसका दिमाग खराब ही है उस लड़की का. उसने सारी इमेज खराब कर ली एक्चुअली अपनी. हाँ मुझे वो जितनी खतरों के खिलाड़ी में सही लगी थी उतनी मैंने उसकी जितना सुना है उसके कांड उतनी नीचे गिर गई है सारे फैंस उसके एंटी हो गए. वहाँ पे नवनीत वो ना वो शो जो स्क्रिप्टेड था ये जो है रियलिटी दिखी है उसकी तो अभी इससे ही जज करेंगे लोग उसको. हाँ एक पता नहीं कुछ आंटी आंटी वाली भी क्लिप देखी मैंने उसको शमिता शेट्टी. हाँ चलो माँ क्यों ही जा रही है.
BB15 को, क्योंकि अब इनका एंड हो जाएगा परसों। हमारी सना आएगी उसे और देखेंगे। यार सच में एक चीज बोलना भूल गई, जो कैन ने फोटो डाली है शहनाज की बर्थडे वाली पोस्ट में, वो फोटोज कितनी प्यारी है वो। अरे वो जैसी फोटो तो, वो तो मेरी फेवरेट बन गई है दोनों फोटो जो हाँ कैन ने शेयर वो की। वाइट वाले गाउन की है, वो रांझा सॉन्ग वाली। पता नहीं ये लोग पहले क्यों नहीं शेयर किए। चलो कोई नहीं, बेस्ट पिक्चर्स हैं दोनों। और बहुत सारी ऐसा होंगी मुझे बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस नहीं दिखती है ऐसी जितनी शहनाज की ये दो पिक्चर्स देखी है मैंने। ऐसे। हाँ मेरे को बड़ी अच्छी लगी वो अलग फोटो। ही लेवल, नेक्स्ट लेवल पिक्चर्स। हाँ शी और लुक्स अ स्टनर। LPU के ट्विटर अकाउंट ने भी सना को विश किया था आज। हाँ मैंने देखा, और उन्होंने वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने हाँ ट्विटर पे भी और इंस्टा पे भी किया। आपको पता है 150+ आर्टिकल्स आए हैं सना के बर्थडे पे आज, मैंने गिन के रीट्वीट मारे हैं। एंड सहनाज के इंस्टाग्राम पे 10.8 मिलियन फॉलोवर्स भी हो गए। बट गाइस मैंने आज नोटिस किया शहनाज की फॉलोइंग बढ़ गई है, 13 हो गई है। उसने जस्टिन बीबर को फॉलो किया है, तो कब से किया होगा वो, तो बहुत देर पहले किया था मैं, काफी टाइम हो गया। अभी रिटर्न भी हुआ है मतलब 13, ज्यादा देर नहीं हुआ है। नहीं, बहुत टाइम हो गया। नहीं बहुत टाइम हो गया, जस्टिन को तो काफी टाइम हो गया है, उसने अभी सितंबर, सॉरी सितंबर 2nd से पहले की बात है, बहुत पहले पहले। शहनाज की फॉलोइंग 9 हुआ करती थी, और 4 लोग बड़े हैं, कोई 13 हो गई है। 13 तो है कब से, बहुत टाइम से है 13। हाँ 13 एक और, एक काफी। और इरेलीवेंट सी दो इन्फॉर्मेशन, वो जो आई थी 14 में पंजाब की, एक और याद है वो, और फ्लॉप एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करते थे ना, हाँ तो उन दोनों ने एक दूसरे को इंस्टा पे अनफॉलो कर दिया, और उस 14 वाली स्टार ने शहनाज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ओ वाह, फुटेज चाहिए होगी। देखिए ये क्या हो गया। एक ना क्लिप था वहां पे सिद्धार्थ का, जब सिद्धार्थ नहीं गया था 14 में, तो जब निकाला था उस मैडम को वहां हाँ से, तो वंदर ना डिस्कस हो रहा था, तो ये दोनों मान रही रही थी ना, वो मेहंदी और वो जो दूसरी है, तो सिद्धार्थ ने उसी नाम पे स्टिक था कि इसे निकाल। वहां पे ना सिद्धार्थ ने एक बात बोली थी, बोलता है बाहर मुझे पता है कुछ ना कुछ तो बोलेगी, पर फर्क नहीं पड़ता। कि मतलब उसके कहने का मतलब था कि ये बाहर जाके बोलेगी तो सही, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब इंटरव्यू तो देगी, क्योंकि उसको पहले से ही पता था ये क्या है क्या नहीं। वहां पे उसने क्लैरिफाई भी किया कि कोई ऐसा रीजन नहीं है करके कि मैं इसको जानबूझ के कर रहा हूँ, या मेरा कोई पर्सनल या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ रीजन नहीं है, लेकिन मैं उसको ही निकालना चाहता हूँ। हाँ और वहां पे ना मुझे उसने लगता कि मेहंदी की बजाई भी थी कि बाहर जाके ऐसा वैसा मुंह नहीं बनाना कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, ये सिद्धार्थ का ही डिसीजन है, ऐसा कुछ नहीं बोलना बाहर जाके। सही बात है। ओह माय गॉड, वो इतना क्यूट लगा था वहां पे सिद्धार्थ ना। क्योंकि उसको पता था ना मेहंदी ऐसे कर सकती है, उसने पहले ही वॉर्न कर दिया था कि अपना मुंह मत खोलियो। हाँ, पहले ही बोल दिया कि चुप रहना वहां पे। वो बोलती है नहीं हम नहीं देंगे रीजन, नहीं देंगे हम, तुम ही देना रीजन जो भी है, हम चुप रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो उसने बोला ठीक है चुप रहना फिर। वही तभी तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये इसको क्यों फॉलो करने लगी, और आपस में अनफॉलो कर दिया उन्होंने। उठवा लग ही चल रहा है, जब उसने BB14 में आना था तो तब भी वो डाल रही थी डांस कर करके सिदा शनाज के गाने पे, फुटेज हाँ अब लेने। तो उसने सीनियर बन के आया था तो सिद्धार्थ थोड़ा बहुत तो जान के आया होगा, सब जान के आया होगा, इसके बारे में तो पता होगा सिद्धार्थ को। उसने बाकी दो सीनियर्स की अच्छी बजाई। हाँ बहुत मजा आया, चुन चुन के बदले लिए ऐसी अच्छे से बजाई उसकी। वो दूसरी मैडम जो ट्विटर पे जो करती है ना, सब बताया उसने अंदर। मनीष मल्होत्रा वाली क्या न्यूज़ है,
मनीष मल्होत्रा, रहने दो, इग्नोर। नहीं, फोकस फोकस ऑन शहनाज, सिर्फ शहनाज की बात होनी चाहिए, फोकस सही बात करना। इतनी एनर्जी भी नहीं हम अपनी वेस्ट करना चाहते उनपे। बहुत होगी फुटेज उनको। आज मैंने एक कमेंट पढ़ा, पता नहीं कोई लंच डेट थी, किसी ने नीचे कमेंट किया था, इसके पास एक ही पर्स है क्या? वही वही बैग लेके घूमती रहती है। सही बात है। ऐसा नहीं है नवनीत जी की एक ही बैग है, मेरे पास बहुत सारे बैग है, ठीक है, बट मैंने तो आपके पास एक ही देखा। वो बहुत फ्लैश करती है यार, वो तो उसके जूतों के भी स्टोरीज डालती है, अगर यू नो सेंट लॉरेंट का कुछ पहन रही है वो डालती है वहां पे, पागल। मेरे पास एलवी का, गुची का, सबके बैग्स हैं। हाँ, जो फर्स्ट वॉक आया था उसमें हर 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 बैग में, हर जगह उसके एक ही चप्पल थी, वो भी मैंने बिग बॉस 13 में देखी थी, और बोलती है कि मेरे पास इतनी कलेक्शन है कि मैं एक दुकान लगा सकती हूँ, फिर दुकान ही और एक ना पहननी है। एक मैंने उसकी रील देखी किसी मीडिया हाउस की थी, वो वाली नहीं बनाते हैं ये कि तुम्हारे बैग में क्या क्या चीजें हैं, तो उसकी मैंने वो देखी, उसमें से परफ्यूम निकालती है, कितनी मेरा परफ्यूम है, इसके बारे में बिग बॉस हाउस में बहुत डिस्कशन हुई है। मैंने कहा बहन तेरी इस परफ्यूम की नहीं हुई है, तेरी चीपनेस की डिस्कशन हुई है, जो रेट बता के बताती है ये इतने का परफ्यूम है। सही में वो एक ना एक अनसीन है बीबी 13 का, वहां पे सिद्धार्थ ही इज रियली वेरी क्यूट ना, उते उते कहता है, वहां पे बोलता है कि ये जोक है, इट्स अ जोक, इट्स अ जोक, इट्स अ जोक। जब कनेक्शन आते हैं कि कहीं ये जाके फिर मुद्दा ना बना दे, इट्स अ जोक। सही बात है। ओह माय गॉड, उसे पता है कि मैं वैसे ही रैंडम कोई जोक भी करूंगा, कुछ करूंगा, ये जानबूझ के उस चीज का मुद्दा बनाएंगे। सोना मेरे से नाने लिखा है, शी हैज अ रूम स्पेशली बिल्ड फॉर हर शूज। सलमा जी, उसको 3 BHK में रहती है, एक में उसका भाई रहता है, एक में उसके मम्मी पापा रहते हैं, एक में वो खुद रहती है। अब अपने बेड के नीचे वाले कबर्ड को वो रूम बोल रही है तो हम उसे कुछ कह नहीं सकते। चंडीगढ़ में वो कहाँ रहती है पता है मुझे? बकवास मार रही है, कुछ भी बोलती है। मैं देख के आई हूँ कि ना न्योन न्योन जो डाला था ना शहनाज ने, फिर उस हिसाब से ही शॉपिंग करके आई हूँ मैं। इसका मतलब मैं तो वहीं पे समझ गई मैं कि ये पूरे रट्टे मार के आई है बाहर से। गाइज, जो भी हमारा ये लाइव सुन रहे हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितने मजे आए हैं ये वाला लाइव सुन के। गुड जॉब लेडीज, कमेंट किया है हरदीप जी ने आप तीनों के लिए, बहुत ही फैंटेस्टिक लाइव है आज का, फुल ऑन सब टॉपिक्स पे हमने बात की इस वाले लाइव में। थैंक यू सो मच गाइस। स्नेहा जी बोले किम कार्दाशियन के वार्डरोब की बात कर रही होगी। नवनीत का पूरी हिस्ट्री बता, मेरे को तो सब पता है। बकवास गायत्री, मतलब मेरे को तो लगता है किसी दिन पूरा दिन कम पड़ता है इसकी बेइज्जती करने के लिए। रात के 3 बजे 260 प्लस लोग हमारे साथ बने हुए हैं लाइव में, क्या बात है। अमन की लाइव हमारी लाइफ।